जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एफएम 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से जी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन। ईद दिया मुबारक जनाब, अख्तर मुबारक शे। तो जनाब हमारे तमाम सुनने वाले को जहां 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 भी हमारी आवाज जा रही है, जहां 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 तक आवाज जा रही है, आल जैसन मलिक की तरफ से ईद का पहला दिन बहुत 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 ज्यादा मुबारक है हो। और उम्मीद करते हैं जी कि आप ईद को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और चिलचिल मार रहे होंगे जी, बकरे शकरे और दुम्बे शुम्बे और जनाब बैल शैल टा रहे होंगे और अभी आप इंजॉय भी कर रहे होंगे इससे पहले, क्योंकि साहिल थे और अभी भी साहिल हैं और साहिल हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि साहिल जो है वो साहिल समंदर को नहीं छोड़ सकता और साहिल ने यहीं पे रहना। जो जनाब आप हमारी 101 की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है ये ट्रांसमिशन वो सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, तोड़ा खादम, तोड़ा नौकर, तोड़े बच्चे दबे नौकर यानी कि आरजे हसन मलिक। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी कुछ आवाजें मौजूद हैं और वो आवाजें किन की हैं, यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं जी इंतहाई खूबसूरत हमारे सीनियर जनाब किबला मोहतरम जनाबे हजरत आरजे हसनैन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट फाड़े वन होंगे। और जी जान जान तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, आप सबको हसनैन रजा का बहुत प्यार भरा सलाम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ईद का पहला दिन जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद है कि आप कुर्बानी से फ्री हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी सेकेंड और थर्ड डे जो है वो प्लान करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बार कुर्बानी का जानवर जो है वो अभी तक खरीदा जा रहा है। सो आपके साथ हमारा साथ रहेगा रात के 2 बजे तक और हमारे साथ बहुत सारी और आवाजें जो है हमें ज्वाइन करती जा रही हैं और उनमें जो है हमारे साथ नेक्स्ट आवाज साथ हमारे साथ जनाब बड़े ही खूबसूरत आवाज और आपके हद दिल अजीज और जिन्होंने जी एफएम की 101 की और बाकी भी तमाम नेटवर्क्स के ऊपर जी अपनी धाक जमाई हुई है बड़ी जबरदस्त तरीके से, और हमारे छोटे से प्यारे से खूबसूरत से भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच हसन फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग द पर्सन वी हैव ओवर इन द स्टूडियोज एंड ऑब्वियसली द लिसनर्स आर लिसनिंग अस। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का पहला दिन और आई होप कि बहुत अच्छा गुजरा होगा। सो हम तो डेफिनेटली बात करेंगे किस तरह हमारा जो ईद का आज का पहला दिन है वो गुजरा एंड आई होप दैट एवरीथिंग इज एज फैंटास्टिक एज इट शुड बी एंड थैंक यू सो मच हसन वंस अगेन। थैंक यू जी। और उसके साथ हमारे साथ जो एक और आवाज यानी चौथी आवाज जिनको आप 2 घंटे से आपके कानों की जो पर्दे हैं और कानों की जो लू हैं उनको वो बड़े बुरे तरीके से जो है वो मसख कर रहे हैं, यानी कि हमारे बड़े ही प्यारे और बड़े खूबसूरत से छोटे भाई यानी कि आज साहिल एजाज। असल भाई बड़ी अच्छी कोशिश की आपने और आपको बता दूं कि हम बड़े हो गए हैं। अच्छा कर रहे हैं आप ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। एक बड़ी मजे की बात है, मैं निकल रहा था और मुझे दोबारा से हसन भाई ने और हसन भाई ने मधु किया, साथ ही में जिशान भाई ने भी ज्वाइन किया एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी आवाज जा पा रही है या नहीं, बट इट्स फाइन, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको सबको मेरी जानिब से दोबारा से ईद मुबारक और हम दूसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं। आज का जो पहला दिन की एंडिंग हम मैंने कर दी थी पर जबरदस्ती मुझे रोका गया, वजह मैं नहीं जानता, पहला बार मेरे पे हो चुका है। Let's wait for the next one, साहिल जब आपको ऐसे और मैं रोक रहे थे तो आपने साइन आउट क्यों किया? नहीं रीजन बताया। एक मिनट हसन भाई, आपकी बात आपका सवाल अगेन हम रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी जो इसने कहा है ना कि आगे मेरे साथ कह रहा है बकरे ने छुरी नजर आ रही है। नहीं वो तो आ चुकी थी पहले, बट आई रियली लव बेसिकली, मैं सच बताऊं आप ऐसे ऐसे मौके आप क्यों साइन आउट कर रहे थे? मैंने आपको पहले बताया कि मैंने इशारा कर दिया था, हम दोनों ने इशारा कर दिया कि आपने साइन आउट नहीं करना। आप ये देखेंगे आपके इशारे के बाद भी हम रुक गए, मींस वी रिस्पेक्ट यू और इसलिए हम रुके। और इशारे से नहीं रुके और मिनटों से रुके, हमने स्टूडियो के दरवाजे बंद किए वो दरवाजे जिनको कुंडिया नहीं है, तो इन्होंने स्पेशली जो है, और अगर मुझे पहले बता देते कि ये सब करना है तो मैं वैसे जाता, बल सॉरी मैं बेसिकली सुबह से इन्वॉल्व था, फिर मैं 2 घंटे शो किया, all the way I have to go back to the home, or
दो दिन से सोया भी नहीं हूँ, तो दैट्स द रीजन बेसिकली। ओके जनाब, सबसे पहले जी जरा देख लेते हैं कि आज हम सब लोगों की एक्टिविटीज क्या रही हैं। हमारे साथ जो बड़ी खूबसूरत आवाजें सारी मौजूद हैं, तो जरा उनसे पूछते हैं कि आज का दिन, ईद का पहला दिन आप लोगों के ऐसे गुजरा। तो सबसे पहले जी हसैन भाई से हम स्टार्ट करते हैं। जी हसैन भाई, यार ईद का पहला दिन बहुत बिजी था, समझ ही नहीं आई कुछ कैसे दिन जो है खत्म हो गया, और कुर्बानी की उसमें आधा दिन आपका गुजर गया। उसके बाद कब्रिस्तान जाना था, दिल कर रहा था, थका बहुत हुआ था, नहीं भी कर रहा था, फिर जाना भी जरूरी था, तो वो इस्लामाबाद गया। फिर जैसा मैंने आपको लास्ट ईद पे बताया था, मेरे कुछ तीन चार दोस्त हैं जो हम बचपन से लेके आज तक ईद के ऊपर लाजमी मिलते हैं, तो फिर उनसे मिलना भी जरूरी था। तो मैं 9:30 पे वापस इस्लामाबाद से बैरियर टाउन गया था, तो वापस फिर उधर से शो करने आ गया। तो ये है कि इसी तरह दिन गुजर गया और काफी अच्छा रहा, खुशी खुशी गुजर गया, काफी लोगों के साथ गपशप भी रही, सोशली भी बहुत सारे लोगों से मिला, तो बहुत अच्छा पहला दिन गुजर गया। मतलब आपका प्रोडक्टिव रहा? हाँ, बहुत प्रोडक्टिव था, और कल की भी काफी प्लानिंग है। वो अली जरियोन कहते हैं कि ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया, मैं समझता था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे तो खैर आपका यानी आपने मोहब्बत से गुजारा, ये हाँ, मोहब्बत से गुजारा। और सबसे मजे की बात इस ईद पे ये थी कि कल से जो हमारी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पर किसाई ढूंढ रहे थे और अच्छा किसाई बहुत सारे खुद मोटर बाइक से फिर भी रहे थे कि हमसे जो कुर्बानी करवा ले, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ उनसे करानी है जिनसे हम पहले कराते रहे हैं। ऑब्वियसली पता होगा। और इस बार एक और चेंज थी मार्केट के अंदर के बहुत ज्यादा बायर नहीं था मार्केट में कुर्बानी के जानवर का, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बाहर अभी तक आपको रोड के ऊपर रश नजर आ रहा है कुर्बानी के जानवरों का, और उसकी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा रेट। मैं और हसनैन इकट्ठे एक ही गाड़ी पे आए हैं और हम लोग किस तरीके से उस मंडी के दरमियान में से गाड़ी हम लोगों ने निकाली है, हमें पता है हाईवे के ऊपर आए और लोग जो है वो रोड के ऊपर खड़े होकर निगोशिएट कर रहे होते हैं और बस कह रहे होते हैं अभी जानवर जो है खरीद लो, वो ये भी नहीं देख रहे होते पीछे कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है और हम हेट भी कर सकते हैं अल्टीमेटली। तो खैर एनीवेज जी, नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद है जी जिशान भाई। जिशान भाई, कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज फैंटास्टिक। और जैसे कि अभी हसनैन भाई बात भी कर रहे थे, पहला दिन अमूमी तौर पर लड़कों का जो है वो थोड़ा सा बिजी रहता है। इनफैक्ट डेफिनेटली नमाज से शुरू हुआ और फिर उसके बाद हमारा खैर ये सीन था कसाई हमने एक हफ्ता पहले बुक कर लिया था, तो कुछ फिर हम साथ मिलकर हेल्प आउट भी कर लेते हैं। तो टाइम से फारिग हो गए थे ऑलमोस्ट, तकरीबन हम 10 बजे सब चीजों से फारिग हो गए थे। उसके बाद अच्छा एक चीज जो मेरे साथ इस दफा थोड़ी सी अनहोनी हुई है, और बल्कि मैं एक पोस्ट भी पढ़ रहा था कि मुझे सिर्फ लग रहा है कि अनप्लान्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ईद है, लेकिन आप हर तीसरे चौथे बंदे का स्टेटस ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अचानक से ये जो ईद है वो सर पर आन पड़ी है। कल शाम तक रात तक इस गहमा गहमी में थे कि ईद की नमाज को किस तरह से पढ़ा जाएगा, आइदर कल हम जो है वो कर भी पाते हैं कुर्बानी या नहीं, क्योंकि मौसम की जो प्रेडिक्शन है वो बहुत खराब थी। ये तो अल्लाह की तरफ से आज मौसम काफी बेहतर रहा, बारिश नहीं हुई, अदरवाइज 100% प्रेडिक्शन थी आज इस्लामाबाद में और मौसलाधार बारिश की। सो खैर उस सीन में थोड़ा सा मैं नमाज के लिए डिले हो गया, लेकिन बार कैफ मैंने नमाज को पकड़ लिया। सो हैविंग सेड दैट अच्छा रहा, अभी बल्कि एक दावत से ही आ रहा हूँ, सो इट वॉज रियली गुड। यार आप लग भी बड़े प्यारे, अरे थैंक यू, आपकी आपकी जो नजर है ना उसमें खूबसूरती है सर। सीरियसली हम चार जो बैठे हैं हम सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत, वैसे तो खूबसूरत नहीं, लेकिन आप ये देखें ये तजाद नहीं है कि तस्वीर में मैं नहीं हूँ, मतलब आप लेट आए जिसकी वजह से ये इशू है। चले अभी अपडेट करेंगे, हाँ चला अभी ब्रेक लेते हैं तो अपडेट करते हैं। अब आपको कैसे हम लोग अभी साहिल आप बताएं कि आपकी कैसी गुजरी है? इसमें भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ये बोलने का। वैसे तो जो है नॉर्मली जो छोटी ईद है वो तो सो गुजरती है, पर इस ईद पे मोस्टली जो है काम अवल तक तो पहले कसाई नहीं मिल रहा था। अच्छा पहले कसाई से बार्गेन हो गया था पर वो इतना बिजी हो गया कि उसने कहा कि मैं शाम 4 के बाद या 5 के बाद आऊंगा। तो उसके बाद फिर अबू ने कहा कि नहीं मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकते, उन्होंने भी कहीं जाना था, तो फिर ये घर में ही जो है कसाई बुलाया तकरीबन 1 से 2 के करीब। लोग घर में ही बुलाते हैं असल नहीं, कुछ लोग अच्छा। लेकर जाते हैं जानवर लेके जाते हैं, जानवर लेके जाते हैं कसाब की दुकान पे, वहां पर कुर्बानी करते हैं, फिर वो जो गोश्त होता है वो घर लेकर आते हैं। अच्छा एंजी भी होता है?
ये कहाँ आजकल कुछ पोश इलाकों में ऐसा हो रहा है कुछ पोश इलाकों में कुछ कंपनी कुछ पोश इलाकों में भी हो रहा है और कुछ जगहों पर तो ये भी हो रहा है कि बस आप हमसे पैसे ले लें और आप गोश्त भी कहीं बाहर ही बांट दें और यू नो थोड़ा सा वो सीन हो रहा है। लेकिन वेल हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं। लाइक आप बात कर रहे हैं तो प्लीज मुझे पर्सनली लगता है कि जो एक रवायत हमारी है जानवर खरीद के लाया जाए घर लाया जाए घर जबा किया जाए क्योंकि एक रवायत है ना एक बरकरार बच्चे देखते हैं फिर सीखते हैं तो ये चीज ही परवान चढ़नी चाहिए कि घर में ही सब कुछ होना चाहिए। That's what I think. बिल्कुल ऐसा ही है ये होना चाहिए क्यों ताकि हम लोग उन रवायत के साथ जुड़े रहें। मैं एक और बात कहूंगा कि कुर्बानी का जानवर आप एटलीस्ट कम से कम 3 दिन पहले लें कि या एक हफ्ता पहले ले लें ताकि उसके साथ आपका थोड़ा लगाव हो अटैचमेंट हो और उसके बाद जब आप कुर्बानी करते हैं ना तो आपको जरा फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है मैं अपनी स्ट्रीट में भी देख रहा था कि यार बस रात को कुर्बानी के जानवर लेके आएंगे और सुबह जो है हम कुर्बानी कर देंगे। अच्छा असैन इसके साथ एक और चीज भी जुड़ी हुई है लोग पहले ले आते हैं 2-3 दिन लेकिन यार मैंने एक चीज बड़ी बड़ी अजीब देखी है कि लोग उन कुर्बानी के जानवरों के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं उनको भगा रहे होते हैं गलियों के अंदर। वो बेचारे पहले पता नहीं कितने दूर से आए हुए हैं पंजाब के किसी इंटीरियर पंजाब से हैं कहां से आए हैं ये हमें नहीं पता वो ट्रैवल करके गाड़ियों के अंदर आए हैं फिर उसके बाद वो मंडी में सारा दिन उनको खड़ा रखते हैं जी लोगों को दिखाने के लिए फिर आगे वो अगले घर पे आए और वहां पे जनाब पकड़ा और भाग रहे हैं गलियों के अंदर उसको इतना तंग कर रहे होते हैं लिटरली दुख होता है कि यार एक कुर्बानी आप इस चीज की दे रहे हैं आप इसके साथ मोहब्बत करें लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। और इसमें एक और टेक्निकल मसला है चूंकि मैं थोड़ा सा मेरा लगाव जो है वो पिंड वाली साइड से ज्यादा है। अमूमी तौर पर जो इस्लामाबाद में जानवर लाया जाता है वो पंजाब से लाया जाता है और पंजाब के अमूमी तौर पर जो जानवर है जो मवेशी हैं उनको आदत होती है कच्चे के ऊपर रहने की। हाँ। तो एक तो वो उस पर बड़ा तंग हो रहे होते हैं मार्बल के ऊपर एंड ऑल दैट फिर दूसरा जब आप उनको खाना फीड करते हैं तो अमूमी तौर पर जिसको हम पंजाबी में खुरली कहते हैं हाँ। उसमें वो खाना पसंद करते हैं लेकिन हम जो है वो टप में और इसमें वो करते हैं तो आई गेस लाना पहले चाहिए लेकिन आपको उसकी बिकॉज साल में एक दफा तो ये दिन आना होता है तो इसकी तैयारी जो है वो जरूर रखनी चाहिए। और मीनवाइल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो एक और आवाज हमें ज्वाइन कर चुकी है डेफिनेटली अब से चंद लम्हात के बाद वो आवाज आपके समातों की नजर होगी। सो जी आप कुछ कह रहे थे साहिल भाई आपकी ईद के दिन की आवाज। अच्छा तो बात ये कि अभी जो है इंशाल्लाह अभी साहिल तो आगे से कहेगा मेरा तो अभी खुद के कुर्बान होने के दिन है। मेरा खुद भी कुर्बान होना है किसी न किसी नहीं वाकई खूबसूरत चीज की कुर्बानी होती है तो यकीनी तौर पर बाकी फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सिर्फ बताऊं मैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि या तो ऐसा अस्तर रोके यार वो मैं वही तुम्हें कह रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि गल्ला कर लेंगे तो वही बात है इंसान भी एक चीज होती है साल, तो वो वैसे गल ठीक है टाइम इंटरवल जो होता है ना वो जब नहीं वो गल ठीक है जुगत असी भी मार लेंगे लेकिन तुझे थोड़ा जिस तरह वो अंग्रेजी तुम्हें काट करनी पड़ेगी इस तरह जुगत नहीं बजनी थोड़े को बदला तुम भी अच्छा साहिल समझ रहे हैं कि शायद हमने इन्हें आधे घंटे का कहा है तो ये चले जाएंगे ऐसे ही है इनको ऐसा लगता है ऐसा है ऐसा है देखिए मैंने आपको पहले अच्छा आज आज साहिल साहिल बंदे सी चार और मुझे जाना होगा 12:30 बजे की साहिल बंदे सी चार पंच ले आओ इतना हौसला है देख ले चले खैर एनीवेज जी मजीद गपशप से पहले जनाब इंट्रोड्यूस करा दें हमारे साथ जो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत आवाज और जिनको हम लोग 2 बजे के बाद अक्सर सुनते होते हैं जब हम लोग यकीन माने कि एक सरूर चाहिए होता है ना उस टाइम सरूर लेकर आते हैं तो जनाब हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत आवाज जनाब सैयद आतिर। जनाब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जनाब तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से ईद की ढेरों ढेर खुशियां मुबारक हों और जो मौजूद हैं तमाम आपको भी बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हों और गुफ्तगू बड़े मजे की चल रही थी मैं चुप करके सुन रहा बल्कि आते आते भी सुन रहा था मैं और साहिल भाई पे हम चारों नहीं हो सकते हावी वो हमसे जान में बहुत ज्यादा है और देखे बड़ापन है उनका कि वो 4 बजे तक हमारे साथ रुकने के लिए तैयार हो गए मतलब ऑल दो के प्यार, अच्छा, प्यार की एग्जांपल देखो कि एसिन जो है साहिल की तस्वीर सामने रख के शो कर रहे हैं। वैसे थोड़ा सा कसूर मेरा है मेरा प्रोग्राम साहिल भाई के साथ था और 10 से 12 मैंने ज्वाइन करना था लेकिन मैं लेट हो गया एक्चुअली मेरी कुर्बानी बड़ी जो है ना वो देर से हुई मुझे नहीं मिल रहा था कसाई और फिर एक वो जो आप लोग भी जिक्र कर रहे थे ना कि पहले से कसाई हमने डिसाइड किए होते हैं जो पिछले साल भी आए थे तो उनका इंतजार करते रहे वो फिर तकरीबन रात के 8 बजे आया तो मैं अभी उन तमाम चीजों से फारिग हो गया तो फिर सीधा स्टूडियो आ रहा हूँ तो साहिल भाई मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका लेकिन इंशाल्लाह कल जरूर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा साहिल आतिर भाई पहले आप ये बता दें कि आज का दिन आपका ओवरऑल
चले ये तो आपने इसका बता दिया कि कैसे हुआ, अदरवाइज कैसा दिन गुजरा? बस फिर उसके अलावा तो कुछ मिलना मिलाना रहा और बकरे संभालता रहा मैं तो वो बड़ी फिक्र होती है मुझे ना, असल में ईद में हमें आदत है ईद उल फित्र के लिहाज से सोने की, तो मैं लेटता था सोने के लिए, फिर थोड़ी देर बाद होता था यार उनको कुछ खाने के लिए डाल दूं, फिर जाऊंगा आरी पकड़ के कुछ काटूंगा और फिर वो लेकर आऊंगा उनके लिए कुछ चारा इकट्ठा करूंगा, बस ईद का दिन इसी तरह गुजरता रहा और बकरों की खिदमत में गुजरता रहा और आखिरकार फिर जो है वो मिलने मिलाने में और बांटने में। अच्छा मुझे एक चीज ऐसे मैं ऐड करूंगा, मेरे घर के पास एक लड़का था जो के पट्टे बेच रहा था, ठीक है, बकरों के, और वो इंग्लिश में बात कर रहा था। क्या बात? अच्छा पहले दिन मैंने उसे पट्टे लिए तो मेरी हल्की से तो बातचीत, मुझे अच्छा लगा यार कि इंग्लिश में बात कर रहा है, और मैंने उसे पूछा क्या करते हो, पढ़ते हो? कहता है हाँ मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी, मैंने उसे इनकरेज किया कि मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत भी कर रहे हो और साथ ये भी, तो मैं फ्रिक्वेंटली उसके पास गया उसको मोटिवेट करने के लिए कि यार आप पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ अपना काम कर रहे हो, उसमें शर्म महसूस नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये चीज बड़ी पॉजिटिव लगी इस बार, माशाल्लाह कि ये अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है कि अगर, अब मेरे ख्याल में किसी काम में आर नहीं समझनी चाहिए, जो कि हलाल रिस्क है तो उसके लिए मेरे ख्याल में कोई ऐसे। अच्छा वैसे अगर अंग्रेजी बोल के महंगा भी नहीं ना देना चाहिए, ये भी बड़ा मसला है, अक्सर सॉक्स वगैरह भी दे रहे अंदर अंग्रेजी बोल के 50 रुपए वाली सॉक्स 200 रुपए। जिस एरिया की हसनैन भाई गल कर रहे हैं ना उत्थे इंग्लिश जरूरी भी है, अंग्रेजी बोल के महंगा भी दे देना। अच्छा इस मामले में जी मैं सबसे ज्यादा लकी रहा, ठीक है, हमारा एक खानदानी कसाई जिसे कहते हैं, अच्छा, वो वाला हिसाब है, और उनको पता होता है जी इन्होंने कुर्बानी करनी है और पहले से पिछले साल ही बुकिंग हो जाती है, अभी अगले साल के लिए बुकिंग कर दी है भाई तुम्हारे। हमारा ये सीन होता है कि नमाज हम पढ़ के 6 बजे हमारे एरिया में नमाज का टाइम, नमाज पढ़ के हम वापस आए तो आगे वो खड़े हुए थे इंतजार में, अच्छा ठीक है, और माशाल्लाह से 2 घंटे के अंदर अंदर बैठा सी, ठीक है, 2 घंटे उन्होंने परा मारे है जनाब, कप टुक के जी, क्या बात है। आई गेस जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है, मैं कहता हूँ जिंदगी आसान हो जाती है उसके बाद, ठीक है, कि आपने जो जहाँ पे हिस्से करके 12 बजे हम लोग लंच कर रहे थे जनाब, ठीक है, और सारा कुछ हम फ्री कर चुके, मंडिया शंडिया नहीं तुसी, मतलब 6 बजे तुसी कीता है, 10 बजे हो गया है, मैं बता रहा हूँ ना 6 से 8 बजे तक उन्होंने हमें फ्री कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने हिस्से बांटे हैं, बांट छांट के, तो बाकी जिनको लोगों को देना था वो तो आराम से हम देते हैं, पहले तो हम फैमिली लंच होता है। लास्ट टाइम आपने एहसन भाई हमें बताया था कि आपने खुद भी कुक किया था कुछ, इस दफा कुछ आपने कुक किया? मुझे अच्छी तरह याद है आपने कहा था आपने कुक किया है, सारे लोग बैठे हैं, हां हां नहीं आपने कहा था कि आपने खुद भी कुछ कुकिंग का इरादा है, तो इस दफा कुछ है प्लान? ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ बारबेक्यू बना, बारबेक्यू तो कर लेंगे, बाकी अंडा बना सकता हूँ। अच्छा जल्दी के हवाले से आप बात कर रहे थे कि, अरे वाह वाह वाह, शुरू से समझदार लगते हैं मुझे ये अच्छा किया आपने, ये मिल गया, दोनों ही समझदार ने माशाल्लाह। अच्छा जल्दी के हवाले से बात कर रहे थे ना कि जितना जल्दी निबट जाए उतना अच्छा, तो मेरे जहन में एक बात आई कि आजकल जो चल रहा है कि जाते हैं और जानवर पसंद करके कोई निशानी लगा के आ जाते हैं और फिर सुबह उधर जाते हैं और वो उसको ज़िबा करके आपको बस शॉपर्स में डाल के दे देंगे, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ये कोई इतनी पॉजिटिव चीज़, मेरा ख्याल भी वही है जो आपका ख्याल है कि कम से कम 3 दिन पहले जानवर लाया जाए, उसके साथ थोड़ा उसको रखा जाए और घर में ज़िबा किया जाए। इट्स नॉट लाइक दिस कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कुर्बानी ही कबूल होनी है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप वो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना कि आप जानवर लेके मदारिस में दे दें या कहीं पर भी दे दें, वो सदका खैरात तो आप पूरा साल कर रहे हैं, कुर्बानी एक स्पेशल ओकेजन है जिसमें आपने एक खास थॉट को ज़हन में रखते हुए काम करना है, एक रस्म है जिसको हमने पूरा करना ही करना है, मतलब ये वो मतलब एक अच्छा तरीका है, जैसे सुन्नत इब्राहिम ही है वो, उसको फॉलो करना चाहिए। हां बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं अलामती इजहार है रब ताला से मोहब्बत का, एक ताल्लुक का, और उसको पूरा करने के लिए जो सुन्नत जैसे हमारे सामने आई, देखिए जैसे हम इसमें ये नाखून तराशना और बाल ना काटना आप देख रहे हैं, मेरी शेव बड़ी, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि कुर्बानी के बाद जो है वो मुझे करना था, लेकिन फिर वो हुआ इतना लेट कि मैं कर नहीं सका, तो जो हज के तमाम जो है वो अरकान है हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग तो हज नहीं कर सकते, जितने लोग वहां जाते हैं वो हज करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कम से कम वो तमाम चीजें पूरी करने की, वो रुकन पूरी करने की कोशिश करें, एहराम तो हम नहीं मानते हैं लेकिन ये चीजें कर लें, और जो तकबीरात हैं वो करें हम 13 ज़िलहज तक, और उसके साथ साथ बकरे से थोड़ा सा एक जो है ना मोहब्बत 2-4 दिन के लिए जब हम आप उसको रखते हैं तो कुछ मोहब्बत होती है तो कुछ अदाएं होती हैं, वो थोड़ा सा एक अनसर होना चाहिए कि आपके अंदर भी एक फीलिंग आ रही हो कि आप कुछ कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की राह में। ताकि उसके साथ अटैचमेंट हो, बिल्कुल एक ड्यूटी की तरह नहीं कि बस एक काम है इसको पूरा कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत का अंसर शामिल बिल्कुल होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसा चाहिए। ये साहिल कुछ फोन के ऊपर मेरे ख्याल में चेक करें, साहिल कुछ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 बजे कोई साहिल की पार्टी थी, साहिल ने वहां जाना था और आपने रोक लिया, ऐसा ही है ना? नहीं पहले कहा कि मैंने जाना था बट अगेन मैं रुक गया, बल्कि मुझे आतिर भाई से भी मिलने का मौका मिल गया। अच्छा, मैं सोचा आतिर भाई से दो दो हाथ करने मैंने, पहली बार आतिर भाई शाह साहब ने तवीज तूज भी ला लो, पहली बार मुलाकात हुई उस दिन से तो कल देंगे ये पूरी गल कीती करे हुए कल तो हासे च पा देना पूरी गल कीती कर वो भी हो जाएगा पर फिलहाल एक तो मौका है, एक नहीं माशाल्लाह तीन तीन शाह बैठे हुए हैं, तीन तीन सैयद बैठे हुए हैं, मतलब आले दुआले तोड़े, आले दुआले सज्जे खब्बे हर पासे सामने पीछे हर पासे सैयद बैठे ने, माशा कोई दम दरूद करा लो। अच्छा, जो सैड सॉन्ग लगाए हुए थे वो नहीं लगाने पड़ेंगे, बेसिकली वो लूप में लग गया, अच्छा लगाया नहीं था गाना कोई और, वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, गुब्बारा फटे तो ठा होती है, वो वाला हुआ है कुछ? अरे क्या कर रहे, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा ही हुआ होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके जी, मेरे साथ डिफरेंट आरजेस मौजूद है और बंदा इतनी मुश्किल से टेक ऑफ करने के लिए एनर्जी भरता है, आई जस्ट गॉट अ चांस टू यू नो बेसिकली और देखे 4 बजे तक रुकना कोई आम बात नहीं है, वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू और गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मतलब ये यार हमारे लिए ऑनर की बात है, साहिल आप हमारे साथ हैं, यू सो राइट बट फॉर नाउ ऑब्वियसली आप टू गो, चलिए 1 बजे आप चले जाइए, मैंने आपको 12:30 का कहा था और अभी 30 मिनट्स नहीं हुए, हमने 12:15 पढ़ लीजिए वहां पे, ठीक हो गया 12:15 पे यार, इतने प्यार से वैसे रोक रहे हैं आदिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया यार, इतने प्यार से रोक रहे हैं, मेरी बात सुन ले, मैं 10 बजे का शो कर रहा था और मैं तो आप थोड़ा बोल लेना कोई मसला नहीं, लेकिन रुके आप यहाँ पर, आपकी प्रेजेंस हमें बेहतर महसूस करवा रही है, मुझे एक बात करने, एक बात मैंने हसनैन आपको बाहर क्या कहा, साहिल की कोई तारीफ में कोई बात कही थी कि क्या साहिल की ये क्वालिटी अच्छी है? खैर कहने पर रुक जाते हैं, मैंने कहा सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, तो मतलब हम चाह रहे हैं कि यार हमारे शो के अंदर थोड़ी सी रौनक बरकरार रहे, ठीक है, 1 बजे तक आप कल ऐसे करते हैं, आप लोग कल भी नहीं, कल कल नहीं है ना, कल पार्टी है हमारी, कल हमारी पार्टी आफ्टर पार्टी, हाँ ना आफ्टर ईद पार्टी है, अच्छा आतिर भाई ने हाथ बांध के पीछे हो गए मुख्तार गल बती हुई है, अच्छा नहीं तो आप 1 बजे तक हमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जल्दी बात करना शुरू करें, आपको आई एम बी सरप्राइज्ड आई थिंक गाइस यू नो माय आई एम गेटिंग सरप्राइजेस सो जस्ट गो फॉर इट, ओके फ्रॉम माय साइड गाइस थैंक यू देख लिया था किस कॉल से नंबर आ रही है, तो खैर 20 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है, कोई नहीं यार कुछ नहीं, वो जितना प्यार पहुंच जाते हैं इतना प्यार, हम ईद की बात कर रहे थे, ईद पे तो आए ना पहले आप सारे के सारे, घर से किसकी कॉल आ रही थी, मतलब हमारी आंटी की कॉल आई थी, हमारी बहन की मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, किसकी कॉल आ रही थी बताएं, ईद की बात कर रहे थे, नहीं नहीं आप बताएं 1 मिनट, ईद पे क्या चल रहा है, देखिए ईद एक फैमिली को ही है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको घर से कॉल आई थी किसकी आ रही थी, मैं क्या बोलूं, सवाल है जवाब दो, आज हम बात कर रहे थे, अच्छा ये भाग इसलिए रहा है कि चारों तोपों के दरमियान में बैठा हुआ है, बहम हो गया ना, बात वो नहीं है असल में ना, मैं थोड़ा सा, अच्छा फोन भी गिरने वाला था और महंगे वाला फोन है, मैं लेट हो रहा हूँ यार, आपने ना कंबाइन शोज के मजे नहीं लिए, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, शेख साहब जब होते थे पढ़ाई कर, हम लोगों ने जब शो किया ना ये छोटी ईद पे ईद फितर पे, तो बहुत मजा आया था, मैं फिर बता रहा हूँ, कल मैं प्रॉपरली क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा पूरा दिन एक्टिविटी में मसरूफ रहा, घर से बल्कि बात हुई, तो मैं कल आप लोग आए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कल दोबारा से आदर भी आप होंगे, जी ऐसे भी आप कल आप बड़े लड़के ले आए, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा, मासूम से लोग हैं, ज्यादा बात है आपका, कल का क्या प्लान है? यार मेरा हसनैन भाई मैंने लेके आंदे ने, मेरे को तो गड्डी भी कोई नहीं, मैं तो गरीब बंदा,
साहिल भाई आप मुझे लेकर आए हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप मुझे लेकर आए हैं, मैं अपनी गाड़ी मार रहे हैं, दूसरे से पूछ भी रहे हैं आप भी आए नहीं आए। मैं सोचा कल का क्या प्लान है आपका? यार हसैन भाई नहीं आ रहे, मैं कैसे आऊंगा? चलो दो में गए ये, तुसी फिर रुको ना, आज आ रहे थे कल। निशान भाई भी नहीं, तुसी भी ना आओ कल, तुसी भी ना आओ, असि आ जाएंगे फिर। इस प्रोग्राम को कैंसिल करो। अच्छा चले एक मिनट साहिल, मतलब मुझे ये बताएं कि चले फैमिली को तो आपने टाइम दिया माशाल्लाह से। कौन सा ये? अच्छा नहीं, तस्वीर बड़ी बुरी थी इसलिए पूछ रहा हूँ। चाइना 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 चाइना, अच्छा कोरिया कोरिया। अच्छा चले, वो धुंधला भी होता है। नहीं सर, फर्स्ट है, फर्स्ट है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं कितना खुश हो रहा है। मैं पढ़ लिया, कुर्बानी वाला मामला हो गए हैं। देखिए आप जवान, आप माशाल्लाह से भी यंग ब्लड हैं, ठीक है। तो आपसे कुछ चीजें हम लोग पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बताता हूँ। अच्छा ये भी घर से कॉल है? ये भी घर से कॉल है। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके। चले जनाब, साहिल तो थोड़ी सी ब्रेक पे गया है, और जनाब मुझे आतिर भाई, आप माशाल्लाह से सबसे ज्यादा यंग है। अच्छा इतवार काट गया। अच्छा आपके दो बाल रह गए। अच्छा मैंने क्वेश्चन प्लान किया, मैं क्वेश्चन पूछने लगा रैपिडली, क्वेश्चन पूछने लगा, फिर मैं सोचने लगते हैं यार मैं नहीं। वो लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपसे एज पूछी थी, तो मैं हैरान हुआ था खुद कि आपकी इतनी एज है। वो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं हैरान हुआ था। नहीं, मैं 39 इयर्स का होने वाला हूं, मतलब 38 इयर्स का। तो मैं, मुझे हैरानी हुई। माशाल्लाह यू आर एज किलर यार, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप नहीं लगते 39। माशाल्लाह माशाल्लाह, एवर यंग एंड ब्यूटीफुल। नहीं इसका क्या राज क्या है सीरियसली, लोग जानना चाहते हैं क्या? मैं खाना कम खाता हूं। रियली रियली? पोर्शंस में खाते हैं या खाते कम? पोर्शंस में कितने मील्स लेते हैं? तीन मील्स ही लेता हूं, लेकिन मैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखता हूँ। ग्रीन टी समथिंग? नहीं कभी। माशाल्लाह यू आर सो फिट। आगे भाई आगे। अच्छा मलकपुरी आगे। क्या बनाया साहिल? अच्छा मैं एक मिनट आता हूँ। इजाजत मिल गई आतिर भाई, आपका सवाल मैं दोबारा पूछूंगा। अच्छा। अभी साहिल से पूछ। सही सही सही। जी जी साहिल, माशाल्लाह आप इस टाइम पे चीफ गेस्ट टाइप के ना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। आप जो जैसे कहते हैं रौनक महफिल, वो है आप माशाल्लाह। साहिल ने बेसिकली खाना नहीं खाया हुआ, और वो खाना ऑर्डर करने गए थे। अच्छा इनको सिर्फ ये खाना कि हमारे लिए भी मंगवाए। ये वो एक और पड़ा हुआ पैकेट। He is saying he is not eating it. He wants something good, you know, hamburgers or something. Yeah, yeah. He wants to eat something you. नाले नाले पीछे फाइल्स डाल रहे हो तो मंगा लिए। यार मैं इस तरह की अंग्रेजी सुनी है किसी फिल्म में यार। ए टॉम क्रूज बोलता हूँ। अच्छा खैर। अच्छा नाले यो यो भी करता है कुछ, ठीक है ओके। भी होता है टेक की क्या बात, पेन खोले। अच्छा 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 ओ सुनाओ से, ठीक है। ये पेन, वो पेन वाला क्लिक है, दूसरा पेन ले ले साहिल भाई। ये वो नहीं चल रहा। वो उससे साइन होंगे नहीं आपसे। अच्छा खैर जी साहिल, साहिल मुझे ये बताएं, चले ठीक है ये आपने कुर्बानी के मामला तो वो सारा आपने माशाल्लाह बता दिया है, उसके अलावा जो आपकी फैमिली एंड एक्स्ट्रा फैमिली है उसके साथ क्या एक्टिविटीज है यार? देखिए वो यार आप कह दें कि नहीं है, बात खत्म। आप भी हंस के ज्यादा मशकूक कर रहे हैं मामले। ये नहीं कह नहीं सकता। अच्छा उसके दो रीजन है। मैं कहने वाला हूँ नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। वो दो रीजन है। लाइव शो में हम बैठे हैं, अक्सर लोग लाइव शो सुन रहे हैं। नहीं नहीं, आप ठीक है। अच्छा वो नहीं सुन रही? नहीं नहीं नहीं। इतना कितना खुश है इस टाइम ना लड़के, इतना खुश है आपकी वजह से हम खुश हैं। इतना खुश है क्योंकि आपस में। अच्छा अपने यार आपकी वजह से हम। अभी जिशान भाई ने थोड़ी सी तारीफ भी की है ना। हाँ। और वो मौका था कि आप उस वक्त निकल लेते। अच्छा। क्योंकि जो है इसकी एक वजह है कि साहिल जाना क्यों चाह रहा था। पिछली ईद पे हमें कहता है कि सिंगिंग कंपटीशन करते हैं। अच्छा और उसके बाद उसको गाने नहीं आ रहे थे। माशाल्लाह से जी ये गुरु बना हुआ था हमारा। अच्छा और पता चला इन्हें याद कोई नहीं करे। आ गया थोड़ा सा मैं उसमें हो गया था, कलेक्शन हो जाता हो जाता कलेक्शन हो जाना हो जाता कलेक्शन मेरे पास जो है वो यो यो इट्स नॉट हो जाता है हो जाता हो जाता रियली इट्स हो जाता है यू नो। लड़के की आज ईद की खुशी तो आज मिली है यार। मैं बता रहा हूँ कि यार हमारे लिए भाई से खुशी तुम हो शेयर हो जाए यार। आप लड़की होते मैं प्रपोज कर देता अभी आपको। और बताओ अगर होते हैं तो की कह रहे चलिए कह रहे चलिए माइक मैं बटन तले कर शो को संभालना यार। मैं आया
आपको साहिल भाई की क्या खसूसियात पसंद है? यार तारीफ की गल हो रही है। हाँ जी, आपने अभी इस दफा किस चीज की कुर्बानी, बकरा था या वो वेड़ा वगैरह? साढ़े दो बकरे सन जी, दो बकरे सन जी। तो माशाल्लाह वेड़ा किस साल कीता होएगा? वेड़ा भी सी साल, वेड़ा भी सी, वेड़ा भी सी माशाल्लाह नाल। तो वेड़ा लैन जाते हो की देखते हो, मतलब की शैमा होनी चाहिए ना? पारा जो हो थोड़ा माल चोखा हो, गोशत वावा हो, ठीक है, ऐ दुबला। ये सारी बातें आप साहिल भाई की तरफ देख के क्यों यार? मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ हमारे लिसनर को भी पता चले, ठीक है, कि वेड़ा लेते हुए क्या क्या खसूसियात देखनी चाहिए। आपने कभी कमजोर बकरी देखी? ऐसा ही है बिल्कुल, हमें तो कोई पूछता नहीं है यार। आदोगी आपकी पर्सन लेके, मैं तो नहीं, मैं आपकी तो इस पर देखा ही नहीं है मैंने। अच्छा यार, आपको पता था? अच्छा हाँ हाँ, मुझे तो पता था यार, और क्या। अच्छा साहिल, मुझे जरा जरा हंस के दिखाएं। आप लाल क्यों हो रहे पहले ये बता। नहीं नहीं, मैं खुशी से लाल। आप मेरे सामने बैठे हैं, ठीक है, आप मेरे सामने बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। मुझे एक दफा हंस के दिखाएं जी भाई। हंस रहा हूँ मैं, उस टाइम हंस ही रहा हूँ, दांत भी पूरे ने। कितना खुश है, थोड़े तक काट भी ले फिर भी खुश हो। साढ़े तो टैप है ने, साड़ी उम्र इतनी होगी और टैप है ने। अच्छा खैर, एनीवे साहिल, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछा था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन आया जी, ठीक है, इस दोबारा सर, यू नो इट्स अ क्वेश्चन, यू नो होने की देर है बस। अच्छा बस मुझे मेरे स्ट्रेट होने की देर है, ये सारा का सारा मुझे देर है, टाइम पीरियड इसको स्किप करने की देर है। अच्छा आपने बताया नहीं है, आपने बताया नहीं है, माशाल्लाह से फैमिली एंड एक्स्ट्रा फैमिली क्या एक्टिविटी रही आपकी? फैमिली के साथ ही रहा, एक्स्ट्रा फैमिली और नहीं, एक्स्ट्रा कोई है नहीं। अच्छा मतलब ए मेनू दस है, ऐसा सच नहीं है कह रहे हैं आपने, ऐसा सच लगाया साथ। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई 8-10 साल से मैं जानता हूं इस इंसान को। अच्छा माशाल्लाह से एक पुरानी इतनी जान पहचान है, ठीक है, और मैं तब से जानता हूं। अच्छा नियर बाय की जान दियो फिर। हां ते ए जड़ा कह रहे ना एक्स्ट्रा फैमिली नहीं है, झूठ बोलता है यार। ये तो आपके सारे राज खुल रहे हैं साहिल आज यार। मैं अक्सर लिसनर्स पूछते हैं साहिल भाई, मैं तो कहता हूँ यार नहीं, मतलब साहिल भाई तो इट्स रियली नाइस, लेकिन वो राज खोल रहे हैं। तो वो क्या, वो आपके सामने बैठे हुए क्या बार बार आप आवाज वापस भी आ रही है? हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, क्यों बैठा तले कीता सी ये, बैठा तले कीता सी नहीं, ये बार बार पेन से, ये पेन से वो साइन करने पड़ते हैं ना साथ साथ, बार बार वो चेक आता है हर मिनट के हमें चेक मिल रहा होता है। अच्छा आते हुए बड़े मुताद, मेरे को कोई गल ना निकले ऐसे, कल मैं कह देगा भाई जी वही लगे सर आपस में बैठा है एक बंदा होता है, कल कहना जी मैं तो उधर इतना अनकंफर्टेबल बैठा हुआ था, अभी हालांकि एंजॉय सब तो ज्यादा पाई कर रहा। अच्छा, भाई ये नहीं होने लगा, लेकिन मोहताज जरूर रहूंगा शुरू से अब तक रहा हूं। हम लोग हैं शबगब और ये 101 इंटरनेशनल, इंटरनेशनल तक के महदूद लोग हैं, ठीक है, ये इनका एक सोफिस्टिकेटेड टाइप का ना एक इमेज डेवलप्ड है। अच्छा फिर उसके बाद मैं आज दिन को देख रहा था, कहीं पे पोस्ट मेरे सामने आई थी एक टीवी चैनल की, और उसमें भी माशाल्लाह ईद विश वगैरह का वो आपका एक मैसेज था, वीडियो मैसेज था, वो वाला मैं देख रहा था, माशाल्लाह बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज के अंदर बड़ा एक माशाल्लाह से। तो अब मसला इनका ये है, ये इस बहस में शामिल नहीं हो सकते बिल्कुल, हालांकि दिल बहुत कर रहे हैं, दो बारी माइक के करीब आके सर वापस कह रहे हैं नहीं यार। वो एक कहावत है ना, जड़ा बोले वही बुआ खुले, तो वो मैं नहीं करना चाहता। अच्छा शेर व शायरी का शौक किस तरह हुआ आपको? शेर व शायरी मैं यूं कहूंगा कि शायद वो फिर आप लोग कहेंगे कि यार ऐसा जो कहते हैं कि आपने डिप्लोमेटिक सा जवाब दे दिया, लेकिन वालदैन से, वालिद साहब से खास तौर पे जो है ये वो लिखते रहते हैं और अच्छी शायरी करते हैं, उनसे मेरे अंदर मुझे लगता है ये चीज़ आई। और जब मैं पढ़ता था मैट्रिक में तो मैंने अपने अशार लिखे थे, वो जो तशबी और तलमीहात वगैरह के सब्जेक्ट्स होते थे उसमें, अब वो अशार मुझे याद भी नहीं है कि लिखे भी नहीं थे। तो एक शौक था, जिस टाइम पे ब्रेक होती थी तो मैं लाइब्रेरी में चला जाता था, कुछ बुक्स पढ़ता रहता था। तो शायरी में मुझे जो खास बात नजर आई वो ये कि बड़ी लंबी चौड़ी बात जो है ना वो आप दो मिसरों में कह देते हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जो नॉर्मली आप सीधी बात कर नहीं सकते शायरी में, शायरी में कह सकते हैं, शायरी में सुना देते हैं क्योंकि वो बात भी कह देते हैं किसी को पता भी नहीं लगता यार मैं तो शायर बनना। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना शायरी सच बोलती है। ऐसा ये बिल्कुल सही कहा एहसन भाई ने, आप अगर बड़े शोरा को पढ़े और उन्होंने बड़ी से बड़ी गलत बात भी की होगी ना, वो उनकी शायरी में जस्टिफाइड होगी। अब गलत आप किसी भी जिम्मे में ले सकते हैं उसको, कि उन्होंने तनकीद की हो किसी चीज़ के ऊपर या अपने दिल की भड़ास निकाली हो, और जो है वो
बड़े आसानी से वो दो मिसरों में या एक नज्म में, एक छोटी सी नज्म में वो बात कह देंगे और वो जस्टिफाइड होगी कि ये तो शायरी है, आप इसका ये आप एक बड़ा मशहूर शेर है तो किसे, मेरे किसे नसीब के बेपैर हम तुम्हें देखे कभी कभार दरो दीवार घर के देखते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बड़ा मशहूर शेर हर किसी ने सुन रखा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब आप ये पूछे हैं जिस तरह अभी आप वो क्या एक्स्ट्रा फैमिली कह रहे थे एक्स्ट्रा फैमिली के बारे में, वो कह नहीं तो मेरी वालदा के बारे में, मेरी वालदा के बारे में वो कह सकते हैं वो कह सकते हैं ये इश्क हकीकी में शेर है। यानी कि जो शायरी को जिस जगह से खड़ा होकर देख रहा है इंसान तो वो शायर उस वो जानता है कि उसने क्यों लिखी है। अच्छा, उसके माइंड में क्या कर सकता है बंदा, कर सकता है शायर हूं। वो एक बड़ा मशहूर वाक्य है, मुझे वो साहब का नाम याद नहीं है लेकिन एक जगह वो बैठे हुए थे और गुफ्तगू हो रही थी इसी तरह, तो उन्होंने कहा कि आप अपना किस्सा सुनाएं इश्क का, आपका पहला इश्क क्या था। तो वो अपना किस्सा सुना रहे होते हैं, महफिल लगी हुई है, उनकी जो जोजा है वो लेकर आती है चाय। अच्छा, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं वो किस्सा सुनाते हुए, जो शायर होते हैं ना उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो कहती हैं क्या हुआ, वो किस्सा जो है वो अपने पहले इश्क का सुना रहे हैं। वो जब पूछती हैं क्या हुआ तो वो कहते हैं माँ याद आ गई थी। अच्छा, ये मामला उमैर नजमी साहब को आप जानते होंगे। जी जी, माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के शायर है उमैर नजमी। उनका सोशल मीडिया सारा और ये सारी चीजें हैंडल करती है उनकी वाइफ। ठीक है, तो मैंने एक दफा उमैर नजमी साहब से बात हो रही है तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी आपकी माशाल्लाह से जितनी भी शायरी होती है 90% आपकी शायरी जो है वो किसी गम के बारे में, किसी दुख के बारे में। कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं बुड्ढी कुछ नहीं कहती कहते मैं आगू कह देना मैं शायर हूं। वो कहते थे इल्हाम है, ये तो इल्हाम है। सर भी आप ही कह देते हैं आप रेडियो प्रेजेंटर हैं, मतलब जैसे कि अच्छा शेरो शायरी से शगफ रहा है आपका? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं तो गुस्से में क्यों है? सीरियसली, आपने लास्ट टाइम भी कुछ दो चार अशआर सुनाए थे मुझे, बड़े अच्छे थे वो, ऑन सीरियस नोट। हां दोबारा सुनाओ। वो कुछ आपने सुनाए थे मुझे, वो गजल याद नहीं है, बता दे मैं सुना देता हूं। नहीं आई एम सॉरी, तो बता देना मुझे याद नहीं है, यू नो मुझे याद नहीं है। चलो याद आए तो बताइएगा। श्योर श्योर आई विल। आज आज खुल के इनकी खुशियां बाहर आ रही है। अच्छा अच्छा जी यार, आई एम सॉरी मुझे वाकई नहीं याद। चले जो याद है वो सुना दें अभी, हो सकता है वाकई नहीं याद, हो सकता है उन्हीं में से कोई को। श्योर मैं सुना देता हूं। बेसिकली मेरी भी थोड़ा सा जौक है शायरी का, मैं कोशिश करता हूं। लिखते भी हैं और पेन दी आवाज आई नहीं सी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत शायरी में कंट्रीब्यूशन रहा है, बल्कि अब तो काफी सोचों के इसमें और बढ़ने का आगे। पर एक एक शायर जो है मैं आपके नाम करना चाहूंगा कि चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूँ तुझसे, हाल क्या मेरा ये तू पूछ ना मुझसे, अरे निछावर कर दें ये जहाँ की खुशियां तुझ पे, कि अब ये हकीकत है मेरी मेरी सांस है तुझसे, चेहरा इश्क मैं मुखातिब हूँ तुझसे। वाह वाह, ये आपका अपने पाइनो पानी पे एक्स्ट्रा फैमिली दोबारे से या इलाम सी या इलाम सी इलाम सी। अच्छा वैसे कितनी दफा एक्स्ट्रा फैमिली बनी यार? मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो आंसर कर भी दूंगा। निशान ये क्या तरीका है? जी नहीं नहीं, फिंडर नीचे कर लो बड़े। इतने ऑब्वियसली इतने बड़े प्रेजेंटर की मौजूदगी में मेरे से ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, तो साहिल दिस इज फॉर यू। आप हंस क्यों रहे, मतलब इतना सीरियस सवाल है, यू नो। मैं दोहरा दूं सवाल आपका? जी जी प्लीज, निशान भैया मुझे बताइए। जी 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 प्लीज, मुझे सेकंड करिएगा आप। अच्छा सोच क्यों रहे यार, जवाब मुझे क्यों बोल दिया? जवाब देने वाला इतना नहीं सोच रहा, सवाल करने वाला क्यों? अब तब क्या करेगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन रेडियो एफएम 101? रेडियो 101 पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट्स रियली गुड यार, इट्स रियली रियली गुड। और खास तौर पे एक बात जो मैं ऑन एयर कहना चाहूंगा, मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन यहां पर आने से पहले एक चीज जो मैंने सुनी थी कि पैसे डिलेड होते हैं, मेरे नहीं हुए आज तक। ये सबसे बड़ा फैक्ट है एंड दिस इज व्हाट आई फील लव्ड अबाउट इट, क्योंकि मैंने जिस भी रेडियो पे काम किया पैसे डिले होते हैं, मिल जाते हैं डिले होते हैं, लेकिन 101 पे मेरे नहीं डिले हुए आज तक। अच्छा, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और पूछो, मुझे लगा ये पूछ लगा, आपके होते हैं तुम्हें पैसे मिलते हैं तुम्हें पैसे मिलते हैं प्रोग्राम करने के? मैंने तो इसलिए नहीं पूछा कि अच्छा चले खैर। एनीवे चले चले, अब आप देखिए उन्होंने जवाब दे दिया, अब आप बताइएगा जी सवाल कितनी बार हुआ, क्या एक्स्ट्रा फैमिली कितनी बार बनाई यार? हम जानना चाहते हैं, आपके लिसनर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में, दे लव टू लिसन। मैं इस पे एक शेर कहता हूं साहिल भाई, आपकी मुश्किल आसान। वो कहते हैं कि हमें हैरत से मत देखो,
अब ऐसा क्या किया हमने, हमें हैरत से मत देखो, अब ऐसा क्या किया हमने, जमीनी इश्क है साहब, दोबारा हो भी सकता है। हाँ जी हूँ दसो की नहीं मरी हुआ दोबारा। आतिफ भाई ने बहुत कोशिश की बचाने की आपको, लेकिन मैं भी इसको एक शेर के अंदाज में कि हम ना शायर हैं ना कोई किताब लिखते, जो पसंद आए दिल को जुबान पे वही बात लिखते। हर्फ है उसकी बात, बात है उसका कहर, बस हर रात ये हाथ वही जात लिखते। हम ना शायर हैं। माशाल्लाह यार खूबसूरत लिख रहे हैं। अच्छा हुआ कितनी दफा वैसे सवाल वही, अब शायरी में आइए बात, हम शायरी से ही बात करें। अरे शायरी में ही बात करें, ये जो मतलब आप इतनी खूबसूरत शायरी लिखते हैं किसके लिए? मैंने आपको मतलब जिससे वो कहते हैं मेरी वजह शायरी, कौन है भाई ने बताया? मैंने तकरीबन शायरी लिखना शुरू किया था नियर बाय व्हेन आई वाज इन 6th और 7th, तो वहां से मैंने कोशिश की। बेसिकली मैं शुरू में राइम्स करता था, अच्छा मतलब रेलेवेंट टू द नेक्स्ट लाइन, उसको मैच करना, फिर करते 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 एक अंदाज थोड़ा बहुत अपनाया, और फिर अभी भी कोशिश कर रहे हैं, अभी हम खुद को शायर कहें तो मेरे ख्याल से नामुकम्मल हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी बिल्कुल ना कहिएगा। अच्छा निशान अभी मैं आपको बताऊं, इनकी माशाल्लाह जितने भी एक्स्ट्रा फैमिलीज है ना, ठीक है, वो सारी स्टेम्स उन्होंने मेरा नाम लेगा डिटेल में कैसे जानता है साहिल भाई? मतलब पुराना जानता हूँ ना मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं वाकई मतलब नहीं, वाकई इस मामले में ना कभी मैंने कभी ऐसा सोचा है। और अच्छा अभी बेसिकली अच्छा कभी आप सोचते नहीं कर जाते हैं good in ignoring as I'm doing right now. बीच में तो समझ नहीं आई होंगी, वो तो हो गया सारा कुछ क्लियर। अब ये वो कह रहे यार वो अपना नाम सुनने के लिए बेताब बैठे हैं लोग, आप बताएं। लेट्स डू इट यार, आज कर दे यार, आज दस दे, ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज मेरे चेहरे पे कई रंग आते जाते हैं, मेरे चेहरे पे कई रंग आते जाते हैं, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। अच्छा हाँ जी दसो, नहीं बार बार कहना शो करो, असि के इतने लाल दवाना बेच रहे, लाल है लाल है, मैंने पहले ही कहा था 4 बजे तक रुकना कोई आम बात नहीं, बट साहिल कैन डू इट, साहिल कैन डू इट यार। मैं सिर्फ खामोशी से पर्सनल बातें सुन रहा हूँ, जो पर्सनल क्वेश्चंस आपसे। अच्छा नहीं मेरा मेरा आपसे एक सवाल है, एसन भाई ने जैसे कि कहा कि ही नोज यू फ्रॉम जी 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 जो मेरे थे हो रहे हैं तो लिख दो ना ईद ट्रांसमिशन स्पेशली ऑल आर्टिस्ट राइज, बाकी भी लोग हैं। नहीं आतिर भाई तो गाहे बगाहे अपना एक कर रहे हैं ना, उनकी तक प्रेजेंस शो कर रहे हैं। नहीं मेरा मेरा एक सवाल आपके साथ जी, मैं पा रहे हैं बिल्कुल, एसन साहब भी पा रहे हैं। अच्छा आपकी बात का जवाब नहीं, नहीं 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 सर। अच्छा एसन साहब ने जैसे कहा कि दैट ही नोज यू फ्रॉम 10 years, इज इट ट्रू और नॉट? 10 years तो चलो इसको छोड़ ज्यादा हो गया, इसको छोड़ दो, ये वाकई करंट भी मारता है कभी। 10 years तो बहुत मुझे लगता है, पता नहीं आवाज भी अच्छा जा रही है, जा रही है जी, आप बोले यार बंदा को कारीगर बाओ पहन ले यार जा रही है। सो आई एम नियर बाय 7 years, माशाल्लाह। हां but that 7 years is such a long time, that man. That was not, we can say, a very regular, like, he knows me from, okay, like 7 years, but we met before 7 years. So that was like that. मुलाकात हुई रेडियो पाकिस्तान में तकरीबन साल 2 साल हो गए, साल 2 साल हो गए, फिर उसके बाद से हमने थोड़ा सा कंटिन्यू किया, नई जरूरत पड़ी। अच्छा टिकटॉक यूज करते हैं? You can ask me this question as well. I will answer it. मतलब मैंने तो randomly पूछा। अच्छा, you are not using it. कभी कोई video, कोई video viral हुई हो आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहते हैं क्या हो जाए? Obviously.
चाहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहते हैं कि वीडियो वायरल हो जाए, पहली चीज। चलते हैं उन्हें। अच्छा टिकटॉक पे अकाउंट तो बनाया होगा ऑब्वियसली। हम कौन से नाम से? नाम से नहीं बनाया, प्रिटी गर्ल। कह दें कि मैंने इस नाम से बनाया होगा, आई डोंट माइंड इट। या गो अहेड, गो अहेड। मैंने मेरा लाइफ की तकरीबन हर चीज, तकरीबन क्या, हर चीज मेरे लिस्टनर जानते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे लिस्टनर जानते हैं यार, आपके लिस्टनर डिजर्व करते हैं कि वो आपको जाने। आप कौन है, आप क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में, ठीक है, आप आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। और ये जो आप बीच में हम घंगूरा मारते हैं, इससे डरेंगे नहीं एहसन भाई आप? हाँ, अगर ये समझ रहे हैं ना कि उनको घूर के हम करते हैं तो डरेंगे नहीं इससे? मैं आज भी बड़ा अथरा बैठा है, कहना पतला वेग के उठिए ना तो मोटा वेग के लड़िए ना, ठीक है ना, ये उल्टा कहना। हाँ खैर, अच्छा उन अंग्रेज है वैसे सही पंजाबी की कहावत पूरी आंदी जी भाई जान। मैंने कब कहा कि तो ठीक हो गया ना, पंजाबी बोलनी है तो पंजाबी। हाँ अब इससे और मैडम पंजाबी में बात करेंगे जी। टोटल ओके यस। अच्छा अच्छा हाँ, तुसी चंगे रह गए मान नाल। साहिल को जानना चाहता हूँ, जो सवाल आप उससे पूछ रहे हैं मुझे पता चलेगा साहिल के बारे में। हाँ बिल्कुल जाना जरूरी। हमारे साथ जनाब एक और भी आवाज अभी अभी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला जी हमें ज्वाइन कर लेंगे, बड़ी खूबसूरत आवाज है जी, और आप सब लोग जी वैसे भी आशिक हैं जी उनके, और ईद मुबारकें वो दे रहे हैं सारों को जनाब, अभी मुझे भी देंगे अभी आएंगे। अच्छा जिशान भाई आप जरा कंटिन्यू रखें, जरा पूछे मैं जरा कंटिन्यू रखें। नहीं माशाल्लाह वैसे साहिल आप अच्छा लिखते, अच्छा है, आई रियली लाइक इट, बिकॉज शायरी आपने जो पढ़ी है एज यू सेड कि आपकी अपनी है तो बहुत बेहतर है। अच्छा कल क्या प्लान है आपके, कल के वाले से अगर हम पूछे तो? अभी तक तो नहीं, मतलब मुझे इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों को विजिट करना है जिनको आज नहीं कर पाया, तो किधर जाऊंगा। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा चलें साहिल आपके साथ अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब हमारे साथ बड़ी ये खूबसूरत एक पेन मांग रहे हैं, आ चुकी हैं, ठीक है, और जनाब ये भी वही स्लॉट है जी, और ये दोनों स्लॉट नहीं सर, सर काफी सर, मुर्शद नहीं है गल नहीं बनती, अस सब सीनियर आ गए ने तो साढ़े लिए असि जनाब असि गोडिया हाथ में ला सके, मैं शो नाल कर रहा हेडफोन नहीं ऑन सीरियस नोट। अच्छा जनाब मैं पहले भी लास्ट मेरे ख्याल में हमारी कंबाइंड ट्रांसमिशन के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये वो आवाज है कि जिनको लिटरली मैं खुद सुनना पसंद करता। इवन मैं आलजे बनने के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं एफएम सुनता ही नहीं था, तो जब आलजे बनने के बाद मैंने अगर किसी का शो सुना है बाकी और पार्टिसिपेट भी किया है तो वो सजाद भाई है। सजाद भाई झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये अच्छा सारी, नहीं सारी सारी बातें सच्ची हैं इसकी, लेकिन ये जो कह रहा है ना आरजे बनने के बाद ये अभी तक नहीं बना। अच्छा ये इनकार नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि इन्होंने शेख साहब को कहा था इनका कहा करो मेरे शो में ना आया। अच्छा इस बात का भी आज मैं जवाब दे दूंगा, पहले हमारे इंतहाई काबिले मोहतरम जिनको आप हमेशा जो है 2 बजे के बाद सुनते हैं, सुकून हमारी नींदों के अंदर मजीद सुकून डालने के लिए, और जो रचे के सहरे होते हैं उनको सुलाने के लिए। यार नहीं हो रहा तेरे को क्यों मुश्किल से पै रहे हैं यार, सबर करो यार, तुझे याद होगे नहीं हो रहा क्यों मुश्किल से पै रहे हैं। ओ मैनू ओ जालिमो मैनू बुलाया तो बोलो ना जो मैनू जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तुसी सही रोके ऐसी वालेकुम सलाम सर सबसे पहले तो आप सारों को ईद मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक सर वेलकम टू आवर शो और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी ईद मुबारक। सजाद भाई कैसा रहा ईद का पहला दिन? यार ये आखिर में कहते हैं यार, ये सवाल आखिर में पूछते हैं, पहले तो यार तेरे लिए सीध आए हुए और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम लास्ट पे मिले थे ना, मैं आप और एहसन मलिक, इट इज नॉट लाइक दिस कि यार मुझे कोई माइक के ऊपर कोई मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मैं आज भी आते हुए सोच रहा था कि यार बहुत अच्छा हो अगर 3-4-5 लोग हों बड़े अरसे के बाद, एंड एट द मोमेंट आप काउंट करें तो आप 5 लोग हैं,
तो ये अच्छा लगता है यार कभी कभी गैदरिंग अच्छी लगती है। तुसी कुछ और दुआ मांग लेनी सी? नहीं यार, दुआएं जब भी मांगे कबूल ही होती हैं माशाल्लाह। कोई इसका कोई टाइम नहीं है, जब आपको लगे कि अल्लाह ताला के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली है आप टाइम लिमिट छोड़ दें। ओदी साल चेक हुंदी है ना, इस वास्ते कह रहे हैं ऐसा ही। नहीं नहीं, वो ऐसा ही बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। मैं थोड़े को लावांगा दुआवां कराण लई, सबर कर जाओ। अच्छा अच्छा, और जो दिन की आप बात कर रहे हैं, दिन तो आपको पता ही है, ईद जो भी हो या बड़ा ओकेजन हो, ये मसरूफियत में गुजरता है। अच्छा, बिफोर वी हम आगे जाएं, तो आई रियली वांट टू से सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। दैट कलर्स इज रियली यू नो सूट्स ऑन यू, सीरियसली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सजाद भाई, मेरे ख्याल में शेख साहब के टाइम पे जो कंबाइन शोज करते थे उसके बाद इतनी बड़ी गैदरिंग हमारी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ। और शेख साहब का जब नाम आता है तो मैं आपको अभी बता दूं कि यार ये उन्होंने वैसे ही मजाकन इसको कहा था, एहसन मलिक को कहा था कि यार सजाद खान कह रहा है मेरे शो में गुंचा शौक में, इसको कहें फोन ना किया करें, ऐसी कोई बात नहीं, आप शेख साहब से भी ऑनलाइन बात करें। शेख साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा शेख साहब क्यों, कहते हैं वो कहता है सजाद कहता है कि वो जड़ियां मेरी शो च कुड़ियां होंदियां ने ऐसा एक बारी कॉल कर देंदा और चार चार दफा चार चार पांच पांच दफा आके फिर दोबारा पूछती है। हां रेडियो च तस्वीर जो नहीं आंदी। मैं कह रहा हूं ये असल यही गल है सारी, वो मैं सारे नु दसदा हां यार मैं बहुत खूबसूरत हां। नहीं माशाल्लाह, मैं इतना झूठ बोलिया जा सकता है? नहीं लेकिन सर मेरा एक सवाल है, लाइक ऑब्वियसली वी यूज्ड टू लिसन 101 लाइक जब पहले प्रोग्राम्स होते थे, एंड ऑब्वियसली हसनैन भाई उस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते थे, आप होते थे, बाकी तो आई गेस हम शायद इकट्ठे ही आए हैं, मैंने कुछ बर्दाश्त किया। अच्छा तो लेकिन उसमें बीच में एक चीज होती थी कि जिक्र होता था कि पिज्जाज पड़े हैं, सैंडविचेस पड़े हैं, वो मतलब झूठ था, वो झूठ था सारा सच झूठ था। मैं वही जानना चाह रहा था कि मतलब ये होता था या मतलब हाँ कभी बर्थडे होती थी, कभी जो है वो कोई ईद जैसे आ गया, ये ईद का मौका आ गया तो हमें फोन नहीं करना पड़ता था। जो सबसे ज्यादा जो डेंट पड़ता था बिकॉज जो अच्छी जॉब्स कर रहे थे उनको डेंट पड़ता था। नासिर महमूद खान जो है वो इस बार लाइक समिंग इंटरनेशनल कंपनी, वो ज्यादातर 90% नासिर को कह दिया जाता था कि यार नासिर को खुद पता था। अच्छा फिर जब हमारे काम और हमारी जॉब्स के ऊपर, ये तो सारा इट इज वेरी ऑब्वियस, ये तो आपकी अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर है, तो हमें ये कहना नहीं पड़ता था कि यार हम जा रहे हैं, तो कोई किसी ने कहा जी उस बेकरी से यार सैंडविच ले आना, तो कोई अपने अपने पॉकेट से वो चीजें लेके आते थे। नहीं लेकिन सर जैसे कि अभी हमारे दरमियान दो बड़े जैयद जो हैं वो ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जो बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं, एक हसन भाई हैं, एक साहिल भाई हैं, एक एक प्रोग्राम होस्ट करने का 50,000 रुपया लेता है अब मार्केट के हवाले से, जो मेरे पास खबर पहुंच रही है, ऐसे ही है सर? साहिल भाई हैं, क्या हुआ कम बता दिए, मार्केट खराब यार, आप इनकम टैक्स वाले इनके पीछे लगा देंगे। अच्छा तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इनको इनकरेज करते हैं? नहीं इनकरेज, ये इट्स अ डिफरेंट मैटर, जो आप बात करें कि यार वो चीजें जो आती थी और वो हल्ला गुला था, उसमें ये होता था कि वो जो टीम थी ना उसमें आपस में बड़ी दोस्ती थी। कोई शक नहीं, जो अभी चीज कर रही है ना वो ये कर रही है कि हमारी आपस में दोस्ती नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है यार। लेकिन सर मेरी तो आपसे है, हम हर संडे को मिलते हैं। देखिए इंटरेक्शन मेरी और आपकी है, जो बाकी माने की है, जो बाकी दोस्त हैं जो पांच हैं ये अभी 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले मिले थे। आदिर अली सैयद एक ही चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं और कितना सारा टाइम हो गया शाह जी आपको? 1 साल से ज्यादा हो गया और वी आर सर्विंग अ स्टेट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन कंपनी को हम ओन भी करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखें अलमिया क्या है, अलमिया ये है कि आपकी जो भी मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग सीनियर्स, मैं सीनियर हूँ इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जब आप लोगों को इकट्ठे ही नहीं बिठाएंगे तो आप प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे यार? आप मार्केटिंग के आदमी है, सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले सारे लोग जो हैं वो मेरे से ज्यादा विजन रखते होंगे। जब एक चीज को सेल आउट करना है और आप टीम को इकट्ठे ही नहीं बिठा रहे, आपको पता ही नहीं है कि आपके दिन में कितने लोग काम करते हैं। भाई को पूछ लेता है मेरे से कि जी वो फलां लड़का वो डीजे है, तो मैं ऐसे देख रहा होता हूँ सजाद साहब आपके चैनल का लड़का है, मुझे पता ही नहीं। ये चीज थोड़ी सी लैग करी है, उसके बाद हमारी एक बड़ी गैदरिंग हुआ करती होती थी यहाँ पे, ये बुखारी ऑडिटोरियम के अंदर होती थी, आउटडोर होती होती थी। शेख साहब में ये कमाल था कि वो आउट ऑफ द ब्लू मून वो एक ऐसा आदमी आ गया था जिसको सेल्स का भी पता था, मार्केटिंग का भी पता था, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था, वो टीमें बनाते थे। आप देखे ना यार, आपको कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 3 साल। ऐसा ना, पुराने आदमी, इनको 1 साल हो गया, वो पुराने आदमी है मलिक साहब। सर आप 3 years 3 सालों में आप बता दें, आप 3 जगह गए
कहीं खाना खाया भाई? मैं अभी बल्कि जब भी आप इकट्ठा होके कहीं खाना खाया? बिल्कुल भी नहीं। दो गैदरिंग हुई है लेकिन उनमें वो भी प्राइवेट लेवल पे, वो भी प्राइवेट लेवल पे गैदरिंग हुई है। कभी आपको पता चला कि यार कोई ये हमारी टीम है, किसी और चैनल्स के ऊपर नाम लूं या ना लूं? बाकी चैनल्स यार अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं भाई। बट सर आप कितना वेट करेंगे? आप चाहे दो साल और वेट कर लेंगे, आप अपने टाइम आउट से आप टाइम आउट हो जाएंगे, आप फिर किसी और प्रोडक्शन कंपनी में जाएंगे। मेरी और जो लोग काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, परमानेंट जॉब्स करते हैं या मैं अपना बिजनेस करता हूँ, तो मेरी ये मजबूरी नहीं है। माइक मेरी मजबूरी नहीं है, मैंने मीडिया में जाना नहीं है। जिन्होंने मीडिया में जाना है, जिन्होंने ग्रो करना है यार, वो ये चीजें नहीं देखेंगे तो वो वाइप आउट हो जाएंगे। चले गए ना सारे। आप हमारे बड़े हैं, आप इनिशिएट लें, ठीक है, हम सारे बाकी सर लबैक देखें। वो इसको दो मिनट में फेड आउट कर देते हैं, कोई हंसी मजाक करते हैं, ये सीरियस टॉपिक है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जितने भी HR जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, वो इसलिए लाखों करोड़ों रुपया कंपनीज उसके ऊपर लगाती हैं कि वो अपने सोर्सेज को रिटेन करना जानती हैं। वो रिटेन के लिए उनको कार्ड भी देती हैं, उनको और भी बेनिफिट्स देती हैं कि वो यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रह जाएं। अब ये तो क्लेम है ही नहीं कि यार हसनैन मलिक को या सजाद खान को हमने बोलना सिखाया तो वो यहीं पे रहेंगे मरते दम तक। तो कौन रहा मरते दम तक? हसनैन आप मलिक है? आपने सोर्सेज को रखना है, स्टेट चैनल है यार, तो स्टेट चैनल को तो इकट्ठा रखे। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हम लोग मेरे ख्याल में ग्रुप में ना लेके जाए, लेकिन हम इंडिविजुअल आपको आप ग्रुप में लेके जाएंगे तो ग्रुप से निकाल देंगे आपको। अच्छा कोई नहीं निकालेगा। फेडर ऊपर ही रहने देना ऐसे, वो बहुत ज्यादा एक्चुअली हंसने के वजह से बहुत ज्यादा ऊपर। आपकी गलतफहमी है। अच्छा ऐसा करें, आप पहले ट्राई करें। हम कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, और हम लोगों ने गैदरिंग, मैंने तो खैर नहीं पर्सनली, लेकिन इसमें शान मेरे ख्याल शान अवान कर चुके हैं, मैं दो गैदरिंग में खुद फैसल एक्टिव है, फैसल इरफान दो गैदरिंग में खुद जो है वो, हाँ, और मैंने तो वो सारी मतलब ये अटेंड की है। और इसी तरीके से जनाब इसी तरह से गैदरिंग होती है। और जुलाई मेरे ख्याल में अभी चल रहा है, तो जुलाई में हमारी गैदरिंग पक्की हुआ करती होती थी। शेख साहब की भी बर्थडे, वो नासिर भाई की भी बर्थडे होती थी, साथ वो राजू रॉकेट होता था उसकी भी बर्थडे होती थी, मेरी भी होती थी, तो वो हम लोग यहाँ पे आउटडोर में ये इस एरिया में सेलिब्रेट करते थे। तो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो मैडम या कोई और पर्सन ऊपर से आके ही वो हमें वो कहे कि हाँ भाई आप इनिशिएट करें। मेरे ख्याल में सारे पीछे लब्बे कहेंगे। मुझे लगता है कि हम एक नंबर वन यूनिटी जो हम लोगों में नहीं है, बल्कि पहले शुरू में भी जब आया था मैं, तो मैंने सुना था कि शेख साहब के दौर में काफी चीजें बहुत मॉडर्नाइज थी, और मतलब इसके बाद से फिर मुझे भी बड़ा एक शौक रहा कि कम से कम हमारी इंटरेक्शन, बल्कि जिस तरह से आज हमारा मौका मिला है, मैं बल्कि चाह रहा हूँ कि हमारे हफ्ते में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत लिमिटाइज हो गया है टिल ईद टू ईद या कोई इवेंट टू इवेंट, तो हम बहुत ही ज्यादा लिमिटाइज हो गए टुवर्ड्स। पर्सनली इसमें मेरा जो पर्सनली जो मेरा इस पे ओपिनियन है वो ये, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने अद्वार में जिसका हम वो जिक्र करते हैं कि जिसमें होते थे मीटअप्स वगैरह, उसमें जो प्रेजेंटर्स हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल थे। मतलब हाई प्रोफाइल से मीन ये है कि उनकी एक वर्थ थी, वो एक डिसीजन पावर थी उनके पास, मतलब उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर दे आर सेइंग कि जी आज मेरा प्रोग्राम है और आज हम चार पांच बंदे बैठेंगे, तो वो अपने ऑन पे भी शायद बुला लिया करते थे और एक गपशप का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब शायद वो, जैसे कि आपने कहा कि वो शायद अब उनसियत नहीं है उस तरह से। अच्छा, लेकिन लिटरली वो वर्क जो है वो तो उन्होंने बनाई इसी तरह, क्योंकि बहुत वक्त भी हो गया। दूसरा ये कि वो इंटरेक्शन में रहे एक दूसरे के साथ। तो जो सज्जाद भाई ने बात मेंशन की है कि, और बिल्कुल सही बात है कि मेरा ख्याल है सज्जाद भाई से पहली मुलाकात हो रही है और जानते हैं दूसरे को, आपसे बाहर मुलाकात होती रही, साहिल भाई से भी पहली मुलाकात है और एहसन से मुलाकात होती है क्योंकि जो है वो मेरे प्रोग्राम से पहले एहसन का प्रोग्राम होता है, और हसनैन भाई से भी मेरा ख्याल है पहली मुलाकात होती है। वजह यही है कि इंटरेक्शन हम लोगों का नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो इंटरेक्शन होगा तो वर्थ बनेगी, मतलब टाइम के साथ साथ वर्थ बनेगी। और एक दूसरे के साथ आपका कहने का मतलब ये है ना कि मैं आपको कॉल करता हूँ तो आप मेरी इतनी वर्थ रखते हैं कि आप आ जाते हैं उस पर, वो तो तभी होगी जब इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन के लिए पहले कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे हमें कि हम कुछ आगाज करें। अच्छा, और इस तरह की जिस तरह आज गैदरिंग है वो वंस अ वीक हो जाए तो तभी। अच्छा, इन सारी रीजंस की वजह से आपकी, आपने जितनी भी बातें की हैं
प्रेजेंटर्स की बॉन्डिंग आपस में नहीं है, ठीक है। हर प्रेजेंटर समझता है कि वो बेस्ट है, तो वो कहता है कि मैं अगले प्रेजेंटर से क्यों कॉल करके कहूं कि यार मेरे से मिलो। ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी, मैं काफी सालों से मैं देख रहा हूं, और मैंने इस चीज के ऊपर काफी डिस्कशन की भी ऑलरेडी कि मीटिंग्स होनी चाहिए, गैदरिंग्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जब तक आप अपनी मैं से बाहर नहीं निकलेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। तो पहली चीज ये है कि अपनी बॉन्डिंग अच्छी करें, ठीक है। अब मैं बाकी चैनल्स में देखें तो बहुत सारे प्रेजेंटर्स मिलके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वो यूट्यूब या टिकटॉक पे वीडियोस भी साथ बना रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग हम में नहीं है। वो बॉन्डिंग आपको लेके आनी, उसका उसका शाजी उसका एक रीजन है, उसका रीजन है कि जितना अगर अगर जो आप कह रहे हैं ना बॉन्डिंग क्यों नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बड़ा काउंट करता है। ओनरशिप नहीं है ना। जब मैं पहली दफा आया था यहाँ पे, तो वहाँ पे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, सैयद सलमान उल मुअज्जम हफ्ते 15 दिन में एक मीटिंग रखते थे, डीजेस मीटिंग होती थी। जैसे आप कहीं काम करने जाते हैं तो भाई आपने काम करना है, मॉर्निंग मीटिंग तो होती है ना, एनुअल रिपोर्ट तो होती है, ईयरली रिपोर्ट होती है, हर काम के बारे में डिस्कशन होती है ना। तो ये जो चीज है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, ये जो चीज है चैनल के पास यही प्रोडक्ट है ना, सेलिंग प्रोडक्ट इज अ वॉइस। अगर प्रोग्राम अच्छे जाते हैं तो वही बिकती है ना चीज। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए होता है कि वो बॉन्डिंग पैदा करने की कोशिश करे। जब वो स्टार्ट लेते थे सैयद सलमान उल मुअज्जम, मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स में जो आप कह रहे हैं ना, कोई मैं से बाहर नहीं निकलता, यार मैं से कैसे बाहर निकलेंगे, 3 महीने में मैं बैठा हूँ आतर अली सैयद के पास, आपके पास। जब तक हमें बुलाया नहीं जाएगा, थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, बातें नहीं शेयर होंगी, तो वो खुद ब खुद जो चीजें बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। पहले दोस्तियां बहुत बनती थी। मेरे ख्याल में ई ट्रांसमिशन लास्ट मीटिंग मैंने जो अटेंड की थी ना, आई थिंक 2008 में की थी। फिर हमारे डीजी थे उस टाइम, कुछ टाइम के लिए आए थे रजा रुबानी साहब, तो आई थिंक के वही थे। कितने लोगों को पता है कि आजकल डीजी कौन है? इतना पता है कि अभी हमारे किसी को, किसी को ये पता है कि पिछले 4 महीने में कितने डीजी चेंज हुए, कितने देखे ना, ये यहाँ से चलता है, प्रोग्राम मैनेजर तक, कंट्रोलर तक, डीजी तक, मीटिंग्स चलती हैं, बातें चलती हैं। जब बातें, जब आप मुझे कोई रूम मिलेगा तो तब मैं कुछ सजेस्ट करूंगा, राइट? ऐसे ही है वो फिर मेरे ख्याल में काफी ज्यादा हम सीरियस कर सकते हैं। एक चीज और भी इसमें आसब, अगर आपका गलत ख्याल है, बात सुने ना, नहीं नहीं सर, इस टाइम पे ईद के दिन में हमारे लिसनर, मेरा नहीं ख्याल, आपके लिसनर, हमारे लिसनर इस टाइम पे हमारी ये वाली डिबेट डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं, इस टाइम पे वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, नहीं वो कमेंट्स में कह रहे हैं कि दे आर सेइंग राइट, वो सही कह रहे हैं, नहीं वो कह तो सही है, नहीं वो देखिए इतना टाइम की बात हो रही है, चेंज ओवर मिल जाता है, हां चेंज ओवर भी है, और दूसरा नहीं ऐसे ना बेफिक्र है, इंटरनेशनल नहीं जाता आप बेसिकली ऐसे, तो वो इस टाइम अभी सजाद भाई ने बात की ना कि नहीं आप बेफिक्र हो यार, आप मेरा चेक आप। अच्छा मैं सर ये कह रहा था कि इसमें शायद एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि पेमेंट का थोड़ा सा, मतलब अगर पैसे ज्यादा, मतलब एक आदमी ये भी तो सोचता ना यार, मतलब इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं कि मतलब मैं ऑल द वे मीटिंग के लिए जाऊं, है ना, होता है ना, ये भी तो फैक्टर है। प्राइवेट चैनल अगर करते हैं तो शायद जाहिर है, अगर वो एक आरजे मतलब अच्छी खासी अमाउंट ले रहा है तो वो शायद आता जाता भी है इसमें, और डेफिनेटली दे पे वेल, और ये इतना क्रिएटिव काम है कि आपको एक फैक्टर है ना, आपको एट द एंड ऑफ द डे इसको कैश करना ही पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने रिटेन करने हैं सोर्सेस, अगर कोई प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है, वॉइसेस अच्छी चाहिए आपको, तो आपको ये चीज, ये सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी। ये तो आपकी पर्सनल एफिलिएशन है, सारे अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है, तो लोग आ जाते हैं, एफिलिएशन बन जाती है। चले सजाद भाई, ये तो हमारे मैनेजमेंट से करने वाली बातें हैं, ना कि हमारे लिस्टर से करने वाली बातें। नहीं लिस्टर की बात नहीं है, ये तो आपको एक मिनट मतलब थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए, ठीक है, मैसेज तो नहीं आ गया आपको? मुझे मैसेज की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है, मुझे मैसेज की प्रॉब्लम नहीं है, बट एथिकली मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर्स को उठा के हम लोग नहीं, बट आई गेस ही इज द मोस्ट सीनियर ओवर हियर एंड शुड नो दैट व्हाट इज एथिक्स और नॉट, दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड कंपैरिजन अगर करें, हां हां, वो ये चीजें माननी पड़ेगी ना सर। नहीं मतलब ठीक है, ये आप मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, हम मिलकर बात कर लेते हैं, अभी इस शो के बाद बात कर लेते हैं,
ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल में कि हम ईद वाले दिन लिस्टनर्स के साथ हम लोग नहीं, हम होल बात कर रहे हैं, आप उसको नीचे ना ले गए, किसी भी चीज में किसी भी चले। खैर एनीवेज जनाब, मेरे ख्याल में एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैक से वापस आते हैं, और मेरे ख्याल में ट्रैक पे जाने से पहले साहिल हमें गुड बाय कहना चाह रहे, काफी देर से कह रहे हैं, और साहिल को हमने बड़ी देर से रोक के रखा हुआ है। भाई क्यों साहिल, वो 10 बजे से आए हुए हैं, 10 बजे से आया हुआ था, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली फिर उन्होंने बड़ा प्यार से रोका, जान भाई आगे बिल्कुल लगे कहीं आपसे मुलाकात हो गई, ड्यूटी कोई बकरे शकरे काटते रहे जी, ऑब्वियसली आज पहले इसकी बड़ी हो चुकी है घर में भी, नहीं सही बात कर रहे हैं, क्या हो गया इसमें कुछ तो घर में जिस दिन इतना एनर्जेटिक गुजारा हुआ ना हो तो ऐसे ही होता है, ऐसी बात है। तो फिर उसमें लगा रहा, फिर दो दिन से सोया भी नहीं, और कॉल्स भी काफी आ रही हैं। नहीं दो दिन से सोए नहीं आप? हाँ जी कल परसों से, अल्लाह रहम करे कि बदुआ लग गई आपको किसी की, आप सोए क्यों नहीं? बकरे ने इसको बांधा नहीं, वो ऑब्वियसली भी आपको पता है ईद का टाइम होता है, तो फिर यार आज मेरा बड़ा दिल खराश वाली वो खबर थी, वो किसी ने बैल, अभी मैं देख रहा था वो बैल को उसने जबा करने की कोशिश की कसाई ने, और उसकी रस्सियां उसके साथ लिपट गई और वो उसको सीता चला गया, एंड ही डाइड एट स्पॉट। तो इन चीजों पे बड़ा ख्याल रखना चाहिए यार, ये सर ये मोस्टली वो जो मौसमी कसाई जिसको हम कहते हैं ना, ये वो होते हैं, और हम लोग भी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक अच्छा कसाई 18,000-19,000 ले रहा है, तो वो अगर 10,000 कहता है तो हम उसको हायर तो कर लेते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल वो ज़िबा कर भी लेता है, एक तो जानवर को तकलीफ होती है, कोई अच्छा कसाई ना हो तो जानवर को बहुत तकलीफ देता है वो, और दूसरा ये है कि वो गोश्त भी आपका सही नहीं होता। यार गरीब आदमी के मसाइल ज्यादा बढ़ गए ना, वो हर आदमी समझता है कि यार मैं अगर घर में बकरा काट सकता हूँ तो मैं सईद हसनैन का जो है ना वो बैल भी काट सकता हूँ, कहता है यार एक दिन में 20-25,000 रुपए मिल जाएगा, तो चलो दो बंदों को कर लो, तो इस काम में ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी थैंक यू सो मच लिसनर्स, और अब मैं अच्छा बिफोर साहिल यू साइन आउट, नहीं मैं आपकी फायदे की बात कर रहा हूं यार, एक तो बदनाम इतना किया हुआ आपने, ना 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 नो नॉट एट ऑल, बिफोर यू साइन आउट आई जस्ट वांट टू से दैट के हम व्हाटएवर वी आर सेइंग तो इट वाज जस्ट इन अ जोक, और दूसरा ये है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग वॉइस ऑफ एफएम 101, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, मेरे बल्कि अक्सर मेरे प्रोग्राम से पहले या बाद आपका प्रोग्राम होता है, तो यू आर ऑलवेज वेरी famous amongst the listeners, so my best wishes for you, and you are one of my favorite. Thank you Sanbhai, thank you, aur I'd like to say thank you Hasan bhai, aapne mujhe roka Sanbhai, aur Sanbhai thank you, bada acha laga thi bhai aapse pehle mulaqat hui, kal inshaallah aapne mujhe roka, ye iske upar mujhe acha laga, kyunki acha laga mujhe do din chale jayega, mujhe aapse baat pehle ye 12:30 se pehle 12:30 अब तो सीनियर उन बात रखनी चाहिए, बाकी देख ले अभी आप देख लें, अब आपके सामने है, आप देखिए सजाद भाई ने कह दिया प्रॉब्लम है, अगर आप 3 दिन से नहीं सोए तो मैंने तो आधे घंटे 30 मिनट और नहीं सोएंगे तो क्या फौत हो जाएंगे सजाद भाई, हमारी खातिर ये 1.5 घंटा रुक गया, आधा घंटा तो रुकना पड़ेगा, कोई और आ रहा तो गया ना फिर, नहीं नहीं और नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा, अगला आता आधा घंटा मेरा, नहीं नहीं ये लास्ट बैच था, जो चेक करेंगे आपसे मोहब्बत कितनी है, देखिए आप कितने डिमांड नहीं, उसने कमेंट बड़ा अच्छा आपको पास किया, अच्छे कमेंट जो है ना वो अपनी लाशूर में कैद कर लेने चाहिए, वेरी राइट, और बड़ा अच्छा कमेंट है, आपकी आवाज वाकई बहुत डिफरेंट है, और आप यू ऑलवेज आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी है, और बाकी काम जो आप गले पे जोर देकर करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा करते हैं, बीच में थोड़ा सा देखें आप वैसे ही चौड़े हैं कुदरती तौर पे, आप अगर वैसे चौड़ा बनने की कोशिश करेंगे डी शेप हो जाएंगे अच्छा इनको तो मैं कंट्रोल कर रहा था अब आपको कुछ स्पेशल तरीका है तो बता दीजिए, क्योंकि आई नो माय अच्छा इस टाइम पे साहिल ना सुजात भाई की तरफ इस तरह देख रहा था जिस तरह बकरा जो है ना वो कसाई की तरफ देख रहा होता है कि हाँ भाई तू मैंने जबा करा तू रह गया अच्छा एनीवेज लिसनर्स अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए एक गाने की तरफ और वापस आते हैं अगर गाना लेंगे ब्रेक करेंगे तो फिर मैं चला जाऊं चले ब्रेक में बात ब्रेक नहीं जाने नहीं लेते भाई नहीं लेते ब्रेक जाने ऐसे भाई नहीं लेते वो कह रहे हैं लेंगे तो मैं चला जाऊं 30 मिनट तक नहीं लेते हैं मुझे स्पेस मिल जाएगा नहीं नहीं अच्छा वैसे आपस की बात है ब्रेक में नहीं जा सकेगा ये नहीं नहीं वो चले जाएंगे कह रहे हैं मुझे स्पेस मिलेगा मैं भाग जाऊंगा आपने क्या करना है ब्रेक में जाके गाना सुनाना बंदे बैठे हुए हैं इन्हें जान देवांगे नहीं नहीं आपने ब्रेक गाना लोगों को सुना कि आपने ऑफ टाइम में क्या करना है तो मतलब आप ऑफ टाइम में जो अपने प्रोग्राम में करते हैं वो आप कर नहीं सकते तो हम सारे बैठे हैं अब आपने गाना क्यों सुना लोगों को यार अच्छा
आई विश कि मैं करूं पिज्जा खाएं। अच्छा अच्छा वो जो आप कह रहे थे ना पिज्जे चल रहे होते थे वो ये है, वो ये पिज्जे होते हैं। मैं कहता ये खा लेते आराम से, इसकी क्रच क्रच की आवाज बढ़िया आती है। ये असल में वो ये हम करते रहे, ये बहुत क्रंच क्रस्ट है इसकी, मैं बहुत ही क्रंची है। कड़क कड़क दी भी आवाज आएगी। एक छोटी देर है, 3 मिनट नहीं ब्रेक नहीं, वाकई एक सीरियस क्वेश्चन है, मतलब यू नीड अ ब्रेक। ठीक है आतर भाई टेक ओवर कर लेंगे। नहीं आतर भाई आप आए करीब है, आतर भाई करीब है। नहीं नहीं सर 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 नहीं नहीं अच्छा चले। एनीवे आपने दिन कैसा गुजारा सर? दिन मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ रिपीट आपके लिए सर, 10 दफा रिपीट कर देते हैं। और बड़ा अच्छा दिन गुजरा है जी, और बड़ा टाइमली फ्री हो गए जनाब कुर्बानी से, और उसके बाद फैमिली के साथ घर वालों के साथ एक लंच होता है जो हमारा ईद पे हर हाल में हम सारे घर वाले इकट्ठे बैठ के, चाहे कोई भी मसरूफियत है वो सारों ने लंच इकट्ठे करना है। वो करने के बाद जनाब हमारे जो फैमिली के नज़दीक नज़दीक के जो लोग हैं उनको विजिट किया। अब्बू क्योंकि गांव चले गए थे, वो उधर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, मैं इधर शहर में जो अपने रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ जरा चक्कर छक्का लगा के उनकी खैर खैरियत पूछ के ईद विश करके वापस आ गए। वापस आ गए जनाब, थोड़ी देर के लिए रेस्ट की है और उसके बाद आपके सामने हाजिर। सर बेस्ट तरीका मैं कहता, वो पहले मैंने शेर सुनाया था ना कि ईद के दिन की तरह तुमने मुझे जाया किया, मैं तो समझा था मोहब्बत से गुजारोगे मुझे। वाह ऐसी कोशिश की थी थोड़ी मोहब्बत से गुजारोगे मलिक ये वैसे शेर ठीक है, क्योंकि जिसका ईद का दिन भी जाया होता है उसका फिर जाया ही होना ठीक है। यार ऐसे तो गए उसकी जिंदगी जाया होगी ईद के दिन की तरह यार। नहीं नहीं मैंने तो मोहब्बत से गुजारा है जी। अच्छा, मैंने तो मोहब्बत से गुजारा। अच्छा तो जनाब एनीवेज जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। नहीं मैंने कहा आप माइक के पास आ गए। नहीं मैं अजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा 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 नहीं अच्छा एसन भाई आपने दोपहर में ब्लू कलर पहना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही जी सुबह नमाज के टाइम? अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। चार एक रंग के कपड़े बदलता ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, इन्हों ही तो नहीं रंग करा लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ वो। अच्छा वैसे आपकी माशाल्लाह वो क़यामत की नजर रखते हैं। अच्छा देख ले सर, देख ले माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप, प्यारे आदमी हैं सर। आप दिन को प्यारे थे। नहीं मैंने पिक्चर नहीं, आपने स्टेटस अपडेट किया था, मैंने देखा था स्टॉक। सर आपकी मोहब्बत है ना, ये मोहब्बत है, स्टॉक बनना उसी को करता है जिससे मोहब्बत होती है। नहीं स्टेटस अपडेट नजर आ जाता है स्टॉक होता है, आप बकायदे जाके देखें। अच्छा तो मतलब आपको किसी ने गलत मतलब बताया स्टॉक का? अच्छा चले कह रहे हैं। नहीं बड़ा नोटिस किया ना मुझे, नहीं याद कि मतलब वो आंखों के सामने नोटिस करना था ना कि यार इसने ईद पे 2 जोड़े क्यों बनाए, ये तो साल में 1 जोड़ा बनाने वाला। इसको 2 जोड़े कितों आ गए सर? ओ ईद का 1 जोड़ा भी किरे किरे पास आ जांदा आपे तो बिना खरीदिए। सर साडे केड़ा तोडे यार बिजनेस शर्मा जी, अल्लाह रहम अल्लाह तुहानू कामयाब रखे। ये कपड़े बदलना और कपड़ा लेना बिजनेस से नहीं होता, ये दिल से होता है। हमें आपके दिल का पता क्या हौसले नाल होता है। जजाक अल्लाह इस मोहब्बत के लिए जनाब। बहरहाल मेरा सिर्फ ये जुमला था कि आप पे कलर अच्छा लग रहा था, वो मेरा सिर्फ ये। हाँ कल पा गया, वेरी वेरी नाइस। और कोई हुक्म यार? मैंने भी सेम कलर सिलवाया था, लेकिन मैंने यार एक ही कलर तेरे चंगा लगता है, वो स्मॉल है, कल पा के आ जाएंगे वो भी रह जाएगा ना। ईद तो ईद पाएगा, कल भी ईद, एक ही रंग रह गया, कल भी ईद है ना। अच्छा वैसे जब हम छोटे होते थे तो कहा जाता था कि बड़ी 2 दिन की होती है और छोटी 3 दिन की होती है, ऐसे ही है ना? बुरा मान जाएगा यार, ये अभी भी छोटा ही है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। मैं अभी आपके आने से पहले एज बता चुका हूँ अपनी, टेंशन ले वही भाई 26 साल। नहीं नहीं 26 साल या 34 साल बताया भाई, 26 साल 12-13 साल पहले हुआ करता था मैं। देखा ना 34 साल ही बताइए ना इसे। 39 यार मैं 18 साल पहले आया था, 39 का था। मैं 19 साल हो गए मैं 220 साल दा मैं कायद आजम साहब ने मैं आपे खटाया अपने था जो दसो है ठीक है खुश हो गल उन्होंने मजाक च की थी, लेकिन वाकई तुसी कह ना बड़े वैसे हाई विजन आले बंदे सी, उन्होंने बहुत पहले कुछ वेख्या सी। हां जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इस टाइम फुल माहौल में आतर भाई हैं ना कुछ कह रहे हैं। ओ भाई मैं तो सर बड़ा अनकंफर्टेबल बैठा हुआ था उनमें, मैं तो बहुत बहुत एंजॉय कर। अच्छा ऐसे एग्जिस्टेंस तारिक साबरी साहब आपको याद है ना? तारिक साबरी साहब वो उस कोने में, लेकिन तारिक साबरी साहब उधर उस कोने में ऐसे ही बैठते होते।
ऐसे बैठ के फिर जबरदस्ती हंसना नहीं पड़ता। आप तोपों के निशाने में नहीं आते, वो सही है ना। ये जहाँ पे अभी ये बैठे हैं ना, जिशान बैठे हुए, यहाँ पे शेख साहब बैठा हुआ करते थे, अल्लाह रहम, ये पक्की यही सीट हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे सैयद अली, मैंने शेख साहब के साथ कंबाइन शो किया हुआ। अच्छा, हाँ जी, मैं उससे पहले मैंने जब FM 101 ज्वाइन करना था, बहुत पहले मैंने शेख साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने मुझे पहले प्रोग्राम में ही 101 में कंबाइन शो में बुला लिया था। क्या बात। और उस टाइम पे तकरीबन 7-8 प्रेजेंटर थे, आसिम भाई भी थे। अच्छा, आसिम रजा। तो नहीं, बच गया था, बिल्कुल बच गया। नासिर भाई होंगे, आसिम रजा होंगे, नहीं उस वक्त फिर मैंने मुझे शेख साहब ने एक बड़ी बड़ी प्यारी बात की थी। मैंने उनको कहा मुझे टाइम का इश्यू है, टाइम थोड़ा लेट है, तो उन्होंने कहा कि अब आतिर के लिए हम जो है वो गुंचा शोक 12 बजे कर दें, तो ऐसा कुछ इतमाम करते हैं। लेकिन फिर मैंने एक और रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लिया, उस वक्त मुझे 12 बजे का टाइम सूट करता था, पैसे भी अच्छे देते थे। ये मेन की सही बात बताए ना यार, क्योंकि सेम मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, तो मैंने पैसे पहले ना यहाँ पे पूछे थे ना वहाँ पूछे थे, पता ये अब लगा के वो यार पैसों की बात ना करें, वो दुखी हो जाए। वो देखे मोबाइल लेके मेरा एक सूट बनता सी वो भी नहीं आएगा। नहीं, वैसे अदर भाई आपने नासिर भाई के साथ स्टूडियो शेयर किया? हाँ, मैंने उसी एक शो में, उसी एक शो में, जबरदस्त। मतलब मेरा पूरा रेडियो करियर एक तरफ और नासिर भाई के साथ स्टूडियो शेयर करना एक तरफ, वाकई ही टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि अगर कोई वाकई प्रेजेंटर बनना चाहता है या इस जगह पर आना चाहता है, तो और आप कुछ भी ना करें, अब उनकी दुआ ले लें सिर्फ। वो वाकई ही खैर बड़े लोग हैं वो, खैर बिल्कुल। और जैसे हम अभी जिक्र करते ना कि शायर बनने में बड़ा टाइम लगता है, इसी तरह एक प्रेजेंटर बनने में बड़ा टाइम लगता है, और जो ये समझ ले कि मैं प्रेजेंटर बन गया हूँ, तो मेरा ख्याल है वहीं से उसका एक डिक्लाइन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जारी रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, एनीवेज जी, गपशप का सिलसिला तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। लाण दे कौन? नहीं नहीं, वो साहिल भाई नाराज हो जाएंगे। मेरा लगाने से बेहतर है कि अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ना, तो अभी वो प्रेजेंटर बनना और आतिर ने बात की जी जी, तो आप जो है ना वो काशिफ खान की आवाज अगर कहीं है उसको प्ले कर सकते। अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक्सीडेंट में जो जुलाई का महीना है, और वैसे भी यार उसका 7th of July को मैंने एक प्रोग्राम किया था, 5th of July को, आप देखें जरा, आपको जितना भी अर्सा हो गया, मुझे भी जितना अर्सा हो गया, बड़े चैनल हमने सुने और बड़े प्रेजेंटर्स की बात की हमने, आप देखें कि ये अगर वहां पे नहीं है तो मैं आपको देता हूँ एक ऑडियो क्लिप, उसको 2-3 मिनट सुने, उसके स्टार्टिंग सुने जरा। गुंजाइश शोक का एक 2017 का पड़ा हुआ है, 1:13 का, क्या आते आशिफ की आशिफ भाई का? हाँ हाँ, वो लगा दें। अब एक क्यों, कोई हुकूमती पैगाम ना होगा बाकी। अच्छा हाँ, ये भी पॉसिबल है, नहीं तो आप मैंने कहा देखना कोई हुकूमती पैगाम हो ना, ही माउस चौहान डाल लेना। नहीं, वो चीज का एक्सपीरियंस ना हो, पहले एक्सपेरिमेंट ना किया हो, तो उससे बच के रहना बेहतर होता है। बंदा सॉरी कह देता है बाद में, कौन सा मसला है? मैं थोड़ा दान चोरी कर लेता सी। खैर, एहसन मलिक को किसी ने डराया हुआ यार, ये वाकई बहुत घबराए हुए हैं बहुत, बाकी नहीं मजाक नहीं, सीरियस पहले। डिपार्टमेंटल इश्यूज आ डिस्कस करना यार वाकई आप बिलो द मतलब बिलो द लाइन क्यों नहीं सोचे, वो एक वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं, मैनेजरियल पॉइंट्स है। मैं HR के पॉइंट से बात करूं, मैं बात ही कुछ और करते हैं, वापस आ जाता है। HR के जो इश्यूज होते हैं डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं मेरे यार। भाई बात आई चली गई इधर वापस, अल्लाह कदे नू प्रोड्यूसर ना बनावे यार। तुसी दुआ ना करो, ये बनदा ही नहीं है। इन्हें तो शो नहीं करन देना यार। चलो दो लाफ करते हैं ना, मुझे मजबूरन फेडर नीचे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वो ब्लास्ट कर रही होती है। हेडफोन की आवाज आज तक नहीं सर, ब्लास्ट वहाँ से कर रही होती है, तो कोई मसला नहीं। खैर, वो तो ब्लास्ट वहाँ से करिए। साहिल भाई, इसको कहते हैं भाई,
अब आपने ग्रिप नहीं छोड़नी है, ठीक है, ग्रिप नहीं छोड़नी, ठीक है, उतर गए। अच्छा सारी चीजें इसकी हैंड एक्सेस में है, ऑन टिप्स हैं, वो सारी चीजें। अच्छा एक मिनट हंस लिया सर आपने? नहीं यार, आप मुझे बात करें, हम हमारे अभी नहीं हंसा। अच्छा एक बार फिर हंस लो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार भाई फोन चो निकलते तो पता लगता है साड़ी फैटल से बारिश गल हो रही थी। फैस उसकी काशिफ खान की ऑडियो बाइट किसी ने भेजी थी, वो प्रोग्राम में यहाँ पे रिकॉर्ड में दे दियो, वो मैं दे दियो। तो जरा एक्सेस से बारी गल हो रही थी, मैं क्यों तले किया है यही गल हो रही थी। और मैं कहने लगा था बेटा ऐसे नहीं होता, बात भाई बात ये बढ़ता है। बात ये है कि जो जो इस सीट पे बैठा होता ना उसकी टिप्स के ऊपर सर उसकी... मैंने यही किया था, मैंने यही किया था। इन्होंने पूछा क्यों किया आपने, तो मैंने उनको जवाब दिया। इस वजह से बताने तो देना, हम कुछ सीख लेंगे सर, प्लीज बताइए, हम सीखेंगे, हम सीख रहे हैं। लगा हुआ ना जी, जी हेडफोन लगा हुआ है, हाथ उसका यहीं पे होता है, आपका हाथ नहीं है ना यहाँ पे, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। जो इस सीट पे बैठता है उसका हाथ ये होता है, वो जैसी आवाज आता है उसकी फिंगर सारी चल रही होती है भाई। यही कह रहा हूँ कि मैंने इनका अभी भी हाथ नहीं था इनके हंसने पे जब आवाज ब्लास्ट करना शुरू होती है, ब्लास्ट करना शुरू होती है तो मैं नीचे कर देता हूँ। ये पूछ रहे थे क्यों नीचे किया, इसलिए कर देते हैं आपके आपका हाथ ही ये कमर पे नहीं रखते, ये कोई आप बाहर थोड़ी जा रहे हैं, आप बैठे मेरी गल सुनो, सीट ते इतना बैंड शौक है, मैं तुम्हें कह रहा था इतने आओ यार, अपनी ब्लास्ट किया, अपनी ब्लास्ट किया वो देखा यार, यहाँ से नहीं होता, वो सर ही आपका मेरी तरफ है, आपको क्या पता अभी भी ब्लास्ट हो रहा है, असली ब्लास्ट ही रखना है और कर लो जो करना है। मतलब सीरियसली यार आप मतलब ठीक है, मजा आप आपको अफसोस नहीं होगा कि मैं गया क्यों नहीं, निशान आसिफ बात इतनी सी है कि यार हम छोटे लोग हैं, आप मैनेजमेंट के आदमी हैं, आप जब काम करें एचआर पे रोकना भी आता है आपको और हर चीज का पता है आपको, तो यू कैन गो फॉर इट। मैं पूरी दुनिया में www.radio.gov.bk और एशिया फैक्ट्री फ्रीक्वेंसी 7.5 मेगाहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉट मिनी नॉट माइक्रो बट मेगाहर्ट्ज़ मैंने उसकी स्टार्टिंग सुनानी थी और वो जो गुंजा शौक में मेरे फोल्डर में पड़ा हुआ है आपने सुना है वो प्रोमो का मदर अर्थ का और जी जी मदर अर्थ का मैंने सुना है वो उससे बनाया था। मेरे ख्याल से काशिफ खान जैसा प्रेजेंटर अभी तक कोई आया नहीं इंडस्ट्री में नहीं है। मैं लिसनर था काशिफ खान का और मुझे याद है एक बार मैं मेरे ख्याल से 9th क्लास में या 10th क्लास में उस टाइम था तो मैं प्रोग्राम सुन रहा था, बड़ा एनर्जेटिक काशिफ खान प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने उनको एक शेर सुनाया लाइव वॉल के ऊपर, उसके बाद वो गुस्से हो गए उन्होंने ऑनर कहा मैं डेंट्स निकाल रहा हूँ, ये बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है इसने क्या बात कर दी है तो मुझे वो एक कॉल याद है उनके साथ और एक दो बार उनसे मुलाकात हुई हुई है तो ये कि बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए ना कम है। यार, अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे आजकल का कोई प्रेजेंटर जो है वो प्रोग्राम कर रहा है। उसने 8-9 साल जैसे सर्व किया, ये जो प्रोमो है उसका मदर अर्थ का मेरा ख्याल है इसने
आठ नौ घंटे में ये 90 seconds का प्रोमो बनाया। वो इतना क्रिएटिव आदमी था कि जब मैं आया तो वो जो एक्सचेंज है जो यहाँ से राइट साइड के ऊपर शीशे से नजर आ रही है, कॉल्स बाहर आती थी, एक्सचेंज लगा हुआ होता था। तो वो हम प्रोग्राम करते थे तो वो चार लाइनें और वहां पे चार पांच लाइट ब्लिंक करती है, कोई वहां पे आती है तो हमें पता होता है कि चार बंदे हमें कॉल कर रहे हैं, पांच यार ये कुछ 60 points हैं छोटे छोटे रेड वाले। ये काशिफ खान के प्रोग्राम में आते साथ ही उसने आईडी देनी और 10 मिनट के बाद जीना 60-70 लाइटें चली होती। मैंने एक आधा प्रोग्राम किया और मेरे जहन में ये आया कि यार इतनी लाइटें हों तो तब प्रोग्राम हिट होता है। एंड एट द मोमेंट आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू कि इट टोक लॉन्ग 5 years, मुझे 5 साल लगे तब जाके वो लाइटें सारी ब्लिंक हुई। 5 साल मैं कोशिश करता रहा कि यार प्रोग्राम में जितनी कॉल्स इसको आती हैं इसको कैसे कम्पीट करना है, तो वैसा प्रोग्राम नहीं आज तक प्रोड्यूस हुआ। वो खुद ही बनाता था, खुद ही प्रोग्राम करता और क्रिएटिविटी देखें उसकी कि जब मैं आया तो बहुत बार जो है ना वो ऑन एयर वो ऐसी बात कर दे कि हमेशा से उसको बैन होने का उस वक्त सिलसिला ज्यादा था तो सैयद सलमानुल मज़म छोटी छोटी बात के ऊपर बैन कर देते थे। लाइक अभी कोई शख्स खा रहा है आवाज चलेगी, सैयद साहब ने कहना है निशान नासिर आप बैन है अगले 15 दिन के लिए नहीं आपने आना, तो उसको बैन का सामना ज्यादा हुआ। और लेकिन जब भी उसने प्रोग्राम किया ऐसा ही किया, अपने जहन से प्रोग्राम करता था, ऐसा प्रोग्राम भी किया कि उसने आईडी दी कि मैं खान काशिफ खान हूं और उसके बाद उसने गाना चलाया बम्पर टू बम्पर गाना चला, बीच में बोला नहीं, आखिर में उसने ऑफ कर दिया प्रोग्राम। उसको डांट पड़ गई कि यार ये क्या किया आपने कल के प्रोग्राम में, ये तो गाने पे गाना 2 घंटे का प्रोग्राम है, आप लोग गाने सुनने आपकी बात आपने बात नहीं की। उन्होंने नहीं सर मेरा मूड ही नहीं बना, आईडी दे के 2 घंटे तक बैक टू बैक गाने चला के और फिर आईडी दे के अल्लाह हाफिज करके चले गए। और एक प्रोग्राम ऐसा भी था, एक नहीं 100 प्रोग्राम ऐसे किए होंगे जिसमें गाना चला ही नहीं, शुरू से बातें करता रहा और आखिर तक बातें करता रहा, अपने दिल से प्रोग्राम करता था। मुझे याद है कि 1-2-4 माँ मैं और वो इकट्ठे थे या जब मैं आया तो उसके बाद 4-5 महीने उसने प्रोग्राम किया और वो फिर इंटरनेशनल ट्रेवल कर गया। तो उसको सैयद सलमान अजम ने कहा कि यार ये क्या करते हो, ये हमारा जो पेइंग टाइम है ये इसमें 4-4 मिनट जो है वो आपने अपनी आवाज की प्रोमो चलाते रहते हैं। उन्होंने कहा सर जरा जेन बनाना पड़ता है, प्रोमो तो चलेंगे। वो इतना क्रिएटिव आदमी था यार, मैंने कभी देखा नहीं इंडस्ट्री में ऐसी स्टार्टिंग। मतलब आप ये देख लेना मैं प्रोग्राम करने आया हूँ, मेरा गुंजा शौक है और उसका प्रोग्राम है, वो आखिर में कर क्या रहा है, इसी पैनल के ऊपर बैठा है, पैनल चेंज है आप ये क्योंकि एडवांस है, इतना ही बड़ा पहले पैनल था, मैं देख रहा हूँ वो कर क्या रहा है, वो ऐसे ऐसे जेबों में हाथ सीधे स्टैंड डाल रहा है, कह रहा है 2 गाने चलते हैं अब मैं क्या करूँ, 2 गानों की रिक्वेस्ट है, कौन सा गाना चलाना है, ऐसा करते हैं टॉस कर लेते हैं, ऑन एयर ही चल रहा है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। उसने ऐसे ऐसे किया, क्वाइन निकाला अकेले, अब मैं वहां से देख रहा हूँ, इतना लाइवली प्रोग्राम था, क्वाइन उसने ऐसे पुश किया ऊपर गया क्वाइन, वो वापस आने के बजाय ना हाथ में पकड़ने के बजाय वो पैनल के ऊपर गिर गया, तो आवाज आई कड़ 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 की, कहता वो ये हो गया, अच्छा अब ये गाना चलेगा। यार वो लगता था कि किसी से बातें कर रहा है, वैसा प्रोग्राम ना मैं कर सका हूं और ना मैंने किसी का देखा है। हर सेगमेंट का, बच्चे से लेके बड़े तक, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, फीमेल्स, मेल, ये नहीं आप कह सकते कि यार वो उसके प्रोग्राम में लड़कियां ही थी या लड़के ही थे या बच्चे ही थे। बहुत सारे हमारे डीजे हम आपस में बात करते हैं उस लॉट के, हम किसी को कहते हैं कि यार ये तुम तो बच्चों में बड़े मशहूर हो, किसी को कहते हैं कि यार तुम बूढ़ों में बड़े मशहूर हो, लेकिन यार हर एज का जो है ना वो बंदा उसका फैन था। तुम्हारा अल्लाह ताला उसकी दरी की रहमत करे उनको, आमीन आमीन। एनीवेज जी बहुत बड़े एक हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर का जिक्र अभी इतने देर चला, बाकी भी जो लोग इन में चले गए, सैयद सलमान उल मज़म हमारे साथ नहीं है, अजीम रफी हमारे साथ नहीं है, खान काशिफ खान नहीं है, बाकी न्यूज के कुछ लोग नहीं है, अभी कोविड में बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं वो अशफाक और वसीम साहब एक प्रोड्यूसर थे, वसीम साहब थे, तो यार अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनकी बहुत कोशिशें हैं बिल्कुल ऐसे।
और बड़ी कुर्बानी है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों की. बिल्कुल ऐसे ही है. खैर एनीवेज जी, अल्लाह पाक उनको गरीब के रहमत के लिए हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए. ठीक है कि अल्लाह पाक उनको. खैर एनीवेज जी, अभी तो आतिर भाई आपने पूरा प्रोग्राम मेरे ख्याल में अभी तक आपने बिल्कुल आप माइक से जरा दूर हैं. ठीक है तो अब जरा आपके मुताबिक गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट हो गया, तो मेरे ख्याल में अब आप भी जरा माइक के नजदीक आ. जी जी बिल्कुल, मैं माइक के नजदीक हूं. अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल में चीजों को थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं. नॉर्मली ईद वगैरह पे देखा जाता है कि ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है नॉर्थ की तरफ और मरी की तरफ ज्यादा होता है, नॉर्थ की तरफ जरा कम होता है. आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ईद पे? कभी आप नहीं, ईद पे मैं ये बेवकूफी कभी भी नहीं करता. बेहतर है कि जो है वो जाके लाइन में स्टक हो जाए और गाड़ियों के साथ, और वो बड़ा जिस तरह एक ये सर्दियों में एक हादसा भी हुआ जी बिल्कुल ईद में. तो मैं हमेशा से ना ट्रैवलिंग के हवाले से, अगर कभी इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है या पाकिस्तान के अंदर भी ट्रैवल किया, तो मैं उसकी बड़ी प्लानिंग करता हूँ और बड़े उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए और ये देखते हुए कि कहीं किसी तरफ कोई खतरा ना हो. देखें अब कुछ थोड़ा सा तनकीद तो है, लेकिन हमारे पास तफरीही मकामात तो बड़े खूबसूरत हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है. मुझे इतफाक हुआ पिछले साल जुलाई का ही महीना था, तो मैं नारान कागान वाली साइड पे गया और सैफुल मलूक झील पे मैंने मेरा जाना हुआ. अब वो इतनी प्यारी झील और हमने उसमें बड़े अशआर सुने और बड़ी जो है उस पर लिखा गया, बल्कि सैफुल मलूक भी लिखी गई, लेकिन उसका जो रास्ता है वो जीप करके वहां से जाना होता है. तो मैं दुआ करता था कि आज मैं यहां से नीचे उतर जाऊं, दोबारा मैं जाऊंगा नहीं, कभी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा अगर ये इस रास्ते से जाना पड़ता है. तो आप ये देखिए कि 10,000 फुट की बुलंदी पे तकरीबन आपने जाना है और वो पुरानी जीप्स हैं और एक जीप जिस पत्थर के ऊपर है और पत्थर ही पत्थर है वहां पर, और अगर आपका टायर वहां से स्लिप हुआ तो बस मेरा ख्याल है एक छोटी सी खबर आएगी, उसके अलावा बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कोई सरवाइव कर सके. तो अगर तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इस तरह की हो, इंतजामात इस तरह के हो कि बड़ा सिक्योर रखा जाए तफरीही मकामात को, तो फिर तो हम बड़े शौक से. हालांकि मैं गया तकरीबन बाबूसर टॉप तक गया, वहां तक रोड बड़े जबरदस्त है, कार्पेटेड रोड्स और बड़ा जबरदस्त सब कुछ, लेकिन मैंने वहां पे एक एक्सपीरियंस कर लिया कि जहां पे वो कहना नहीं साहब आप वहां पे आप अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकते, आपको जीप पे जाना पड़ेगा, वहां पे नहीं जाना, जीप से जिधर जाना पड़ेगा वहां मैंने नहीं जाना. ये मैंने पक्का तहिया कर लिया था क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस जो है, मैंने शुक्र किया कि मैं नीचे उतर गया हूँ, कमर में दर्द और वो जो है ना झटकों से वो बड़ा मुश्किल था. अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे, मैं इसमें ऐड करूंगा जो फॉरेनर्स है ना वो, क्योंकि पिछले 2-3 साल में बहुत आए हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं जीप्स पे वहां पर ट्रेवल करना मुकामी लोगों के साथ, वो एडवेंचर करते हैं वहां पर जाकर. मैंने एक चीज देखी, मैं 2 साल पहले देवसाई की साइड पे गया तो वहां पर बाइकर्स मुझे कुछ मिले, और वो बाइकर्स फैसलाबाद से आए हुए थे बाइक के ऊपर, पूरा नारान कागान पाक चाइना बॉर्डर देवसाई वो सारा बाइक पे ट्रेवल कर रहे थे. सही. तो वो मुझे बड़े मजे की स्टोरी सुना रहे थे कि हम पहाड़ों के अंदर से क्रॉस करके बाइक लेके जाते हैं और हमने वो जगह कैप्चर की हैं और देखी हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता, तो उसकी खूबसूरती अलग है. अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर जीप्स जाती है नॉर्दर्न एरियाज में, उधर की खूबसूरती बहुत है, और वो बेसिकली जो ड्राइवर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए वहां पर वही जा सकते हैं. आप अपनी गाड़ी शायद ही कोई लेके जाता हो नहीं, वो रास्ता लेकिन उसको बनाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है. आप कह रहे हैं कि वो एडवेंचर करना पसंद करते हैं फॉरेनर्स, उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है. अगर आपने झील सैफुल मलूक जाना है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि आप वो जीप लें और उसी रास्ते से जाए, और कोई रास्ता मौजूद नहीं, या तो कोई अल्टरनेटिव रास्ता मौजूद हो ना तो आपके यार मैंने एडवेंचर करना है. और इसमें यादव भाई मैं ये भी ऐड करते चलूं, भी लास्ट मंथ आई गेस मई में मैं चित्राल गया कैलाश जो चिलम जोश फेस्टिवल के लिए, उसमें एक चीज जो मुझे वहां पर नजर आई कि रिहायश के तो इंतजाम बिल्कुल ही नहीं है. हाँ, इतने मतलब गंदे रिहायश के इंतजाम. और एक चीज है, मैंने जब वहां के लोकल से बात की, उन्होंने कहा यहाँ पर मतलब यू नो लोग पहले नहीं आते थे अब आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अब ये चिलम जोश फेस्टिवल एक किस्म का इंटरनेशनल फेस्टिवल है, फॉरनर्स भी आते हैं, आपको पता है कि हर साल जब ये फेस्टिवल होना है तो आप उसको क्यों नहीं बनाते. तो आई थिंक टूरिज्म में बहुत हमारे यहाँ स्कोप है, लेकिन उसमें नहीं है, वो उस तरह नहीं कर रहे. ये नारान कागान और बाबूसर टॉप के दरमियान में एक जगह आती है बाटाकुंडी, मैं वहां पे रुका और वहां पे बिजली नहीं है, आप सिग्नल्स मुश्किल से मिलेंगे आपको, अब पता नहीं पिछले साल तक नहीं था. बाटाकुंडी जो अभी डेवलप हो रहा है, आपने देखे वहां पर बहुत सारे नए होटल्स बन रहे हैं. अब लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग जो इस्लामाबाद के साइड के लोग हैं या लाहौर कराची के,
जो मरी साइड पे इन्वेस्ट करते थे नथिया गली, अब वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कर्दू में, होटल्स बना रहे हैं नए बाटागुंडी के, अब वहां पर बहुत सारे नए होटल्स बन रहे हैं, अभी वो डेवलप हो रहा है। अभी नॉर्दर्न एरियाज में अब एक कमी है, वहां पर 3G 4G नहीं चलता जी। इसकी कमी है, ये होना चाहिए, लेकिन अभी डेवलपमेंट काफी हो रही है, तो आपको आने वाले सालों में नजर आएगा। हाँ, ये चाहते हैं, वो बड़ा स्कोप है इसका, अगर टूरिज्म बेहतर हो तो फिर तो मतलब आप अपनी गाड़ी निकालें और चले जाएं, 6 घंटे का रास्ता है। नॉर्थ में काफी ज्यादा ट्रैवल किया, सॉरी जी आप प्लीज अच्छा, नॉर्थ में काफी ट्रैवल किया है कश्मीर और नॉर्थ में, लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक किस्म का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो वो था ये जो ये सिरी और पाए का जो रास्ता है ना, शोग्रा से ऊपर का जो रास्ता है, उसके अंदर अब देखो उधर के जो ड्राइवर्स हैं वो जिस तरह जीप चला रहे होते हैं में। मेरे ख्याल में एक मिनट, ओके गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, आई एम साइनिंग आउट, आज हसन मलिक, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे 10 से 12। जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रसमन ही सही बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। Guys, welcome back once again. एक बार फिर से आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। This is FM 101 Channel Pakistan. You are listening the Eid special transmission with all of your favorite RJs right now in the studio. Except one, वो चला गया नहीं?
यार क्या कर रहे हो बी केयरफुल यार शुक्र है चला गया उसे सर आपने प्लान मैं मेरे प्लान कुछ नहीं किया नहीं यार एहसन मलिक तो चला गया एहसन मलिक चला गया यार पार गया आप बोले हम बोले 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 आपको बोलने देते हम जी सर प्लीज सिक्स ऑफ है या देयर यू गो ये नहीं ये मेरा माइक नहीं मेरा तो ऑन था मेरा फोन नंबर पे था चले आप अच्छा, बोले प्लीज जी जी मैं तो बोल रहा हूँ मैंने क्या बोलना है आप बोले ये सारे जो बोलो हम सारे जी सब जी यार मुझे मेरा एक मिनट माइक बंद करें मुझे चिप्स खाने दे आप सारी खा गए ठीक है मुझे सुकून से खाने दे आप लोग मैं उधर लगा हुआ आप पीछे खाई जा रहे हैं पता कितने आप तमीजदार हैं कोई हाल नहीं कोई हाल नहीं पता आपको असल में आप कुछ बात कर रहे थे मैं सुनने वालों को बता दूं कि यार एहसन मलिक वाकई 2 बजे इन्होंने जाना था और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे और मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे रुके वो भाई ने चला मैंने 12 बजे जाना था 12 बजे जाना था नहीं थैंक यू वेरी मच आप वाकई जाना चाह रहे हैं तो आपके कहने पे नहीं नहीं चाहे 2 बजे साइन आउट करते हैं मैं भी ये यार आप तो नहीं जाएंगे बाकी काम है मुझे अजैन हमारी क्या डिस्कस हुई है पहले अजैन क्या डिस्कस हुई थी चलो 2:30 बजे उसको पता है जाने मुझे उसको हसनैन मलिक को हसनैन रजा को पता है कि आपकी घर में कितनी इज्जत है वो खुश हो रहे होंगे कोई हाल नहीं सजाद भाई मुझे बताया मुझे 12 बजे हसनैन मलिक क्यों कह रहे नहीं यार ये दरअसल आई एम सॉरी मैं हसनैन मलिक को और हसनैन रजा को मिक्स कर रहे हैं नहीं मैं मिक्स नहीं करता हूँ लेकिन मेरे से ये गलती हो जाती है वो क्या था नाम काशिफ अनवर उसका मैं नाम हमेशा काशिफ अनवर अच्छा कल परसों कोई अभी 5-7 दिन पहले तारिक साबरी और काशिफ अनवर मुझे एक ही जगह पे दोनों मुलाकात होगी उधर अच्छा। वो एक प्रोडक्शन हाउस में ठीक है और कुछ ड्रामा वगैरह की मेकिंग हो रही है तो वहाँ पे इत्तेफाक से मुलाकात साबरी को ड्रामे में रख लिया है नहीं नहीं वो प्रोडक्शन को देख रहे हैं अच्छा, तो प्रोडक्शन को नहीं ड्रामे में नहीं रखते नहीं अगर आप उसकी बात करते कि यार उसको ट्रॉमा सेंटर में रखना है तो बात मानने वाली है ड्रामे में नहीं रख सकते लाइक सीरियसली कंबाइंड शोज के अंदर अगर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेरे सामने मेरा कोई मेरे ख्याल में 4-1 साल का एक्सपीरियंस इन कंबाइंड शोज का रहा है शेख साहब के होते हुए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर अटैक हुए तोपो का मुंह किसी की तरफ था वो तारिक साबरी था वो साइड के ऊपर बैठा था रिकॉर्ड टूट गया ऐसे नाराज हो गया ऐसे नहीं नहीं खैर वो और बात थी वो माइक शेयरिंग एथिक्स की बात थी और कुछ नहीं थी यू आर सो लीथल मतलब मैं कुछ असल में मसला ये कि आप कुछ कह भी नहीं सकते आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते मसला ये वरना टेबल चेंज हो जाए नहीं यार थोड़ा सा टाइम होता था ये शुक्र में नहीं नहीं सर इट्स रियली नाइस तो बिल्कुल ऐसे ही है और जैसे कि आदर भाई अभी कुछ कह रहे थे कुछ नॉर्मल वो बड़ा अच्छा टॉपिक था ऐसा जी जी बिल्कुल आपको भी एक्सपोजर होगा लेकिन इसके 2 तरीके हैं या तो जो आपने कहा कि यार उसमें प्रॉब्लम्स हैं और वहां पे जाने से थोड़ा सा गुरेज करें द वन वे इज के वी शुड वेट फॉर द नेक्स्ट 5 or 6 years लेकिन शहर का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जैसी भी जगह है आपको सैर करनी है आप सेफ्टी मेजर्स करके यार उसको एंजॉय कर लें जैसे भी नहीं नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि गुरेज करें इन दिनों में खास तौर पे जब सब लोग निकल जाते हैं तो ईद के मौके पे मैं तो एहतियात करता हूँ हम लोग इंतजार नहीं कर सकते इसमें देखें अगर तो बैचलर्स हम लड़के लड़के जा रहे हो तो फिर तो ठीक है लेकिन फैमिली जब साथ हो ना और फिर आपके स्टक हो जाए तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है कैसे कहा था कि फैमिली ले गया नहीं नहीं मैं तो कभी मैंने यही तो अर्ज किया कि मैं तो हमेशा पूरा प्लान करके पूरा देख के और वहां पे पहले से बुकिंग करवा के होटल की फिर जाता हूँ कि कहीं पे मैं स्टक ना हो जाऊं मैं बड़े ये पिछले दिनों मामला हुआ जो मरी का सॉरी रिस्क टेकिंग नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल रिस्क नहीं लेते मैं आपको एक बड़े मजे की बात हूँ सॉरी मैं एक बड़े मजे की बात हूँ फिर दूसरों की फैमिलीज के बारे मैं किस तरह की एक दफा क्या हुआ दुखी आदमी है नहीं नहीं मैंने ना मैं ब्रॉड में था तो एक बीच पे वो करते हैं वो पैराशूट के साथ पैरासेलिंग पैरासेलिंग तो मेरी ना वालदा की कॉल आ गई और मैंने उनको दिखाया वीडियो कॉल पे अभी मैं ये करूंगा तो उन्होंने मुझे कहा ये ना करना अब माँ का दिल तो ऐसे ही होता है उन्होंने कहा ये नहीं करना और मैंने यकीन करे नहीं किया
मैंने उसको एक इशारा समझा, आप कहेंगे बड़ी मासूम सी बात है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। इवन वो मतलब एक अच्छा कंट्री था जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स भी पूरे होंगे। आपने सही किया, आप यहाँ पे गए थे वो सैफुल मुल्क पे तो आपकी कमर टूट गई थी। आप सही बात है, जाते तो आप फौत हो जाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बचाने वाली वो कहते ना, सफर में ऐन मुमकिन था मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ रहता है। कौन सा मुल्क था वो जहाँ पे? थाईलैंड। आप थाईलैंड में भी जाके पैरा सेट? नहीं, वो मैं सीधा फुकेट गया था, मैं सीधा फुकेट गया था बैंकॉक में। मुझे अच्छा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आदर भाई बात हो रही थी कि ईद के दिनों में लोग ट्रैवल करते हैं। असल में इतने लंबे टूर्स पे लोग मोस्टली ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं, तो ग्रुप के रेट सस्ते होते हैं एक्चुअली आजकल की ईद पे डेट, तो शायद लोग इसलिए भी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि जो ग्रुप 28,000 शौक करने वाले आदमी जो है ना, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट है, ये सही टाइप आदमी, ये बिल्कुल अकेले नहीं किया, ये नहीं, बिल्कुल बेहतरीन बात है। और चलें, दैट्स रियली नाइस। बाकी जनाब, चूंकि हम जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगह डिस्कवर करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं सज्जाद भाई जो बात कर रहा था ना कि सेफ्टी मेजर्स अगर पूरी हो ना, नो डाउट, तो फिर आप बड़े शौक से जाएं। और वो इन दिनों में जो है वो मैं कहता हूँ थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, कुछ मतलब फैमिली के साथ। नहीं, ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है ना, ये वेरी नाइस, इसमें वाकई थोड़ा सा बात ये है कि इससे रिलेटेड एक बात है कि अगर आपको शौक है जाने का, अगर किसी को भी, हमारे यहाँ ये जो हेल्थ टिप्स है इनके ऊपर लोग काम नहीं करते, अपने आप को उन इलाकों के लिए चलना पड़ता है। आप गाड़ी में जाएं, जीप में जाएं, टाइम आउट होता है, सोना जागने के टाइमिंग्स नहीं होती, तो लोग जो है ना अपनी हेल्थ केयर नहीं करते। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप वहाँ पे एक्टिवली जाकर पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग अताबाद लेक जो है उधर सामने बैठ के एंजॉय करते हैं, अब एक नई चीज आ गई है। कुछ लोग अब टिकटॉक पे सारी वीडियोज आती है, अताबाद लेक के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ों की टॉप पर जाकर 3 घंटे हाइक करके ऊपर से नीचे नजारा एंजॉय करते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आपने क्या करना। यस यस यस, ऐसा ही। हसन भाई, आप कोई बात बता रहे थे उस टाइम पे जब? हाँ, वो वाले, वो उस टाइम पे मैं बता रहा था कि वो एक बाकी सारे एरियाज में किया, लेकिन मेरा कोई इस तरह का कोई अजीबो गरीब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन आपने जीप्स की उस टाइम पे बात कर रहे थे स्पेसिफिकली, वो इतना अजीबो गरीब किस्म का वो रास्ता, आप लोग आई एम श्योर कि आप सारे ही विजिट किया होगा, आप सब लोगों ने। वहां पे बीच में ऐसे भी कोई जगह आ गई है जहां पे वो जीप का आधा टायर जो है वो उससे बाहर था, और वो उसके अंदर 60-70-80 के ऊपर वो जीप चला रहे हैं। ऐसा लगता है गए नीचे लिटरली। वो ऐसा कई दफा फील हो गए भाई यहां से गए, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं थोड़ा सा ये, लेकिन अल्टीमेटली उन रोड्स को थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। अब हम देखिए कि ये जो बच्चे निकल आते हैं 14th August पे या ईद पे, और वो वन व्हीलिंग करते हैं, वो सारा कुछ, वो भी एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन हादसा होते हुए तो एक मिनट नहीं लगता है। आतिर भाई, बल्कि मैं आपको बताऊंगी, रिसेंट जैसे मैं अभी चिलम जोश फेस्टिवल के वाले से बात कर रहा था, तो सैयदाबाद से आगे आप अगर आपने ट्रैवल किया उस साइड का, तो वो आप जीप्स पे ही जाते हैं। तो जिस जीप में मैं मौजूद था उसकी हैंड ब्रेक भी खराब थी, तो उसने एक बंदा रखा हुआ था कि जैसी गाड़ी पीछे आती थी तो भाग के इंट रखता था उसके नीचे। सो अगर वो कुछ सेकंड भी डिले हो जाए तो यू नो हो जाता है। और हसनैन भाई, अभी आपने एक बात की कि यू नो 3 घंटे हाइक करके आपको ऊपर जाना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतनी दूर चले गए तो यू शुड डू इट। मतलब आपको पसंद है हाइक या नहीं, आप कर लेंगे, क्योंकि दोबारा आप ऑल द वे कहां आएंगे? देखो जिशान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हाइक पसंद है। वो अब मेरे अपने कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो बहुत ज्यादा हाइक करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उनको गाड़ी पे ट्रेवल मतलब कहीं चले जाए तो वो कहते हैं वहां पर वॉक ही करनी है। अब मेरे ऐसा बंदा नहीं कर सकता, मुझे मैं थक जाता हूँ। अब बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज में आप जाओ तो वो जगहों को डिस्कवर करते हैं, और यकीन करो कि जब से मैंने वो तस्वीरें देखी है ना कि अताबाद लेके जो ऊपर पहाड़ है उधर से जाके नीचे व्यू जो आता है, मेरा बड़ा दिल है उस दिन का, उस दिन से कि मैं भी उधर जाऊं, तो मे भी शायद मैं कभी खुद भी कोशिश करूं। और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये अताबाद लेक भी एज एन इंसिडेंट वजूद में आई है, ग्लेशियर पिघला था, और सर्दियों में पूरा ग्लेशियर वो बन जाता है और गर्मियों में वो पूरा पिघल जाता है।
चलें, इट्स रियली नाइस। अच्छा, इस्लामाबाद के हवाले से अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे भी बहुत सारे लोगों ने, अब जाहिर है आज तो कुर्बानी में बिजी रहे, कल बारबेक्यूज वगैरह के लिए निकलना होगा, तो इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? इस्लामाबाद में तो ज्यादातर बारबेक्यूज वगैरह जो है वो लेक व्यू पार्क में होते हैं। दूसरा वो क्या है, मार्गा हिल्स डीसी ने मना किया हुआ है आई गेस। हाँ, वो अगर कोई फायर वगैरह कोई मसला ना, लेकिन वो केव्स है, अल्लाह दिता केव, बुद्धा केव्स, वो बड़ी जबरदस्त जगह, मुझे बड़ी पसंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पेशली, ये इतनी ब्लेस्ड जगह है ना कि लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे कितनी ही जगह है। डिस्कवर करने लगे हैं, उसको विजिट करने लगे हैं, तो आपको मेरा ख्याल है अगले दो साल में आप इवन वो नीला सांड एक जगह है बिल्कुल मार्केला हिल्स के, वो बड़ा खूबसूरत वो है। आप ट्रैक के ऊपर चले जाए, वहाँ पे उन्होंने ट्रेस के ऊपर जगह बनी हुई है, रावल रेक पे, वो इज वेरी राइट, वहाँ पे जगह बनी हुई है, स्पेशल जगह बनी हुई है। उसके अलावा एक डायनो वैली भी बनी है रिसेंटली, और वहाँ से आप आगे जाते जाए तो बड़ा कुछ आता है। हाँ, आईलैंड, और आपने आबशार देखी है? जी जी, आप देखें वहाँ से वो एक रास्ता जाता है, वो लोगों को पता भी नहीं होगा, अब तो गाड़ियां भी जाती हैं, वो नथा गली तक जाता है। जी जी, और वही से एबटाबाद वगैरह। यस यस यस, बहुत कमाल की जगह है, बहुत कमाल की जगह है। एक ट्रेल्स ये है, एक ऊपर है जो सुल्तानपुर जाते हैं, वो डैम की तरफ जाते हैं, वो ट्रेल्स हैं। इस ट्रेल्स पे लोगों को आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो आपको लगता है एक ही पहाड़ है, लेकिन मुनाल तक इसमें 5-6 पहाड़ियां हैं, एक को क्रॉस करते हैं, वो बात फिर वही सी दसनैन वाली आती है कि चलने का शौक नहीं है या हाइक का शौक नहीं है, अगर आप जाएं तो एक पहाड़ उतरे फिर चढ़े फिर उतरे फिर तब मुनाल आता है। तो बहुत बहुत सारी अच्छी जगह है। मेरा तो ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि वन शुड और एवरी शुड स्पेयर टाइम फॉर हिम और हर सेल्फ। और इसके अलावा सर एक और बड़ी अच्छी जगह है ये, आप जाएं बरी माम से बिल्कुल साथ, शाहदरा। नहीं नहीं नहीं, शाहदरा ना 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 सर, वो बड़े मजे की जगह है। नहीं नहीं यार, नहीं चिल्ला भी काटा था उन्होंने। अच्छा, वो ऊपर कभी आ जाएगी, अभी जहन में आ जाएगी। हाँ, मेरी माम से ऊपर है। हाँ, लोहेदंदी, लोहेदंदी, यस लोहेदंदी, वो बड़ी अच्छी जगह। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, प्लीज प्लीज प्लीज, लोहेदंदी से ऊपर भी एक जगह। जी जी, वो जहाँ पर वो भैंसों जहाँ के वो जो मिथ बनी हुई है, जो कहते हैं कि जो भैंसा है वो पत्थर का, वो उस डिबेट में हम नहीं जाते है या नहीं है जो भी है, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी। रिसेंटली मैंने सर प्याले भी उधर ही है, प्याला बिल्कुल ना, बड़ी बात बिल्कुल साथ ना, स्पेशल जगह है, बल्कि उसमें तो मतलब पहाड़ी के शुरू में एक प्याला है, दैट इज प्लेस यहाँ पे लोग नहाते हैं, वो फिर बीच में है, फिर उसके ऊपर टॉप पे वो तीन चार, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना जिशान, आप तो नहीं गए? मैं भी गया, दूसरे तीसरे में बिल्कुल, वो जो आपने प्याला देखा, प्याला क्यों मशहूर है? प्याला इसलिए मशहूर है कि उसकी चट्टानों के अंदर जो है ना पानी जमा हुआ है, और इतने छोटे छोटे तालाब भी नहीं है, तालाब से छोटी जगह है, और वो क्या कहते हैं उसको यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कच्च नीला पानी, आपको लगेगा क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, आपको लगेगा कि यार मैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में। और किस साइड और रास्ता की, बिल्कुल बड़ी माम के साबक है यार, मैं तो लास्ट टाइम भी मैं अभी ऑफर आपसे ये दोबारा रास्ता इसलिए पूछूंगा कि जब हम कोई 20 साल के हुए थे ना, तो हम सारे गए थे, और अलाउ करते हैं वहाँ पे नहाना वगैरह? ऑब्वियसली, हफ्ता पहले हम गए हैं, लोगों को पता ही नहीं, भाई लोग गए थे हम लोग, बल्कि मैं तो सर भी मैं बात कर रहा था ट्रिप्स की, आपने पहले बात की थी, मेरा शुरू से हमेशा से एक शौक रहा है, हम सारे के सारे जितने जैसे आपने बात की प्याले की, अब देखिए हमने बैठे बैठे प्लान बना लिया, अब ये प्लान भी बन सकता है कि हम ये प्लान करें, अब मैं आप और हम साथ चलें जो बैठे हैं। जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तो मैं इसमें लेटर नोट पे एक चीज आपको शेयर करूंगा। होगी खत्म सर, होगी खत्म जी। हम कोई 19-20 साल के हुए ना, तो हमारा 4-5 बंदों का एक लड़कों का ग्रुप बन गया, और हमने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम नहीं बनाया बल्कि अभी हम मोहल्ले में घूमते फिरते थे, तो हमें एक आदमी बहुत तंग करता था, तो हमने जो है ना उसका मुर्गा चुराने की एक स्कीम बनाई। वो हमने कुल 3-1 हफ्ते जो है ना वो एहसन मलिक उसको क्या कहते हैं यार, आंख रखना मुर्गे के ऊपर, हमने मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं रखी। तो हमने वो मुर्गा चुराया। अच्छा। उसको जबा करवाया। अच्छा। उसको साफ करवाया, फिर हम मोटर बाइक पे प्याला गए। अच्छा। वहाँ पे नहाए और उसको हमने एंजॉय किया और फिर वापस। अब यकीन नहीं करेंगे सर, इतनी प्यारी जगह है, वो साथ ना अब ये केएफसी बनी हुई है, बिल्कुल ये नया ये प्याला है, सामने केएफसी बनी है, अगर वहाँ पे आप बारबेक्यू करना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू कुक एज वेल, आप वहाँ पे खुद कुक भी कर सकते हो, बाकी लोग क्या करते हैं आजकल, प्रॉपर टेंटिंग कर रहे हैं यार, भाई दो टिकटा दे दे यार, चलना पड़ता है वहाँ पे, चलना पड़ता है। असल में ना आजकल क्या है, आजकल जो पहला प्याला है ना वो बेसिकली खुश्क है,
वहां पे पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको फिर सिर्फ दूसरे तीसरे प्याले तक पहुंचना। आई रिमेम्बर कि हम कोई आधा पौना घंटा चल के ऊपर, कितना हाइक है पहले से दूसरे प्याले तक? कुछ खास नहीं, असल में ये है कि वो स्टीप बहुत है, लाइक प्याला इज बेसिकली दो पहाड़ों के बीच में जगह है, वो बड़े बड़े पत्थर है, तो वहां पे आपको ये बस हाइकिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रेट वे नहीं, एक रास्ता बना होता है उसमें नहीं, उसमें बड़े बड़े पत्थरों पे चढ़ के जाना। और जाना आपको फ्रेंड्स के साथ ही चाहिए, लाइक फैमिली वाला? फैमिली अभी नहीं, अब नहीं है, क्योंकि पहले जब तक ये इतना फेमस नहीं था तो यहाँ लोग ज्यादा जाते नहीं थे। अब आप वर्किंग डे में भी जाओगे उन्हें होता ना संडे, उसमें और गर्मियां भी हैं। अभी मैं मंडे को गया था रिसेंटली, नो टेल मी यार, तो हाँ मैं आपसे रास्ता पूछूंगा, हम 10 दिन के बाद हम प्लान कर लेते हैं। इस तरह की जगह सैदपुर टोटल 45 मिनट बिल्कुल प्लान करते हैं। सजाद भी कोई मुर्गा थोड़ी चोरी करना, मुर्गा थोड़ी चोरी करना, किसी और भी आंख से देखी है, मुर्गा है नजर में सजाद ऐसा मेरा एक्सपीरियंस होता जरूर बताता, एक्सपीरियंस होता सर, इसको एक्सपीरियंस मुर्गियों का। देख ला कहीं अंडे वाली मुर्गियां तो नजर न लगी, तो प्लान कर देते यार। मुझे भूख लगी थी पहले, पर आपने इतना माशाल्लाह सा है कि मैं आई एम टोटली यू नो गेटिंग, मैंने खाना खा के भी और अच्छा हुआ ना कि आप गए नहीं देखे, मतलब मैं पहले बोला बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया माशाल्लाह, और कुछ टाइम पहले तो बहुत मजा आया, तो हमने बहुत इंजॉय किया, ये चला जाएगा फिर। अच्छा इसने अजीब मजाक में है ना भाई, और यार हॉट सीट के ऊपर जो बैठा होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर उसको कोई शूट वो गोली भी लग जाए ना वो जा नहीं सकता है, तो इन्हें एकदम ही वो यार उसकी बड़ी जिम्मेदारी है वो हो गया आपका प्रोग्राम मैनेजर सुन रही होगी तो बैन हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं बैन हूँ, कोई मसला नहीं है, आप सुनाए ठीक है। देखिए एहसन मलिक में हमारा दिल है। नहीं सर, माइक शेयरिंग एथिक्स का मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि उसमें क्या गलत था, ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ के लाइव में बोलता तो मैंने जो सही समझा वो मैंने वो किया। वेरी राइट, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी पूरी टीम की तरफ से भी हम आप से सॉरी नहीं सर, आपके बात ही नहीं, आप तो खूबसूरत इंसान है सर, पता है दिल धड़कता है, साहिल ये जो चीजें है ना ये याद रह जाती है, साहिल ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत। मैं तो हाथ बांध के पीछे बैठा हुआ था, मैं हूं ही नहीं किसी चीज में। चले आज की मीटिंग का एक फायदा हुआ कि हम प्लान कर रहे हैं प्याले जाने का, आप लोग प्लान करें, और मुझे लगता है आज यहाँ पे रुकने का मकसद भी इतनी हाइकिंग भी नहीं है, मतलब नॉर्मली चला लें मैक्सिमम, अगर आप कर लें तो 45 मिनट मैक्सिमम है सेकंड प्याले तक पहुंचने के लिए, इतना गहरा भी नहीं, मतलब यू नो आप समझ लीजिए, एक पॉइंट रख लेना जहां पे इकट्ठे होना है एंड देन फिर आगे इकट्ठे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रास्ता तो अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट पता है इकट्ठे होने के लिए, हां इंशाल्लाह रेडियो पाकिस्तान के बाहर से, हां हम यहां हाजिर, बिल्कुल हाँ हाँ, गाड़ियां यहाँ पार्क कर देंगे, कोई नहीं, वो बरीमाम की बैक साइड पे पार्किंग है, वो उधर ऊपर जाने के लिए वहाँ पे वो सेफ पार्किंग है, वो चार्ज करते हैं और वहाँ पे पार्क करते हैं, पॉइंट बताएंगे तूने वहाँ पे हमारे इंतजार करना, नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई समझते हाइकिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हाइकिंग का तो कोई ऐसा मसला नहीं, और वो बरीमाम की ना थोड़ा सा वो जो दरबार बना हुआ उससे पहले एक रास्ता बैक साइड पे जाता है, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है, जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं वो नीचे पार्क करें, वर्किंग एरिया वहाँ पे लोग आते हैं तो इतना मसला नहीं होता, मैं वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, सीधे रास्ते से नहीं गया, हमेशा बैक साइड पे चीज बनी हुई है, वहाँ से रास्ता निकलता है, चोरों वाला रास्ता है, ना बिल्कुल जाएंगे, चलो यार डन हो गया जीशान, डन हो गया, जब भी डन करें मुझे बता दीजिएगा और फिर हम चले जाएंगे, बल्कि बेशक आप ग्रुप बना लें एक और उसमें बता दीजिएगा, ठीक है, आप लोग बताएंगे क्या कब अवेलेबल हैं, हाँ हम वर्किंग डे में करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें रश कम होगा, लोग ज्यादा नहीं होंगे, हम इजीली एंजॉय वर्किंग डे में सारों के लिए इशू हो जाएगा, अवेलेबिलिटी का इशू हो जाएगा, आपका एक छोटा सा काम है, इफ यू डोंट गेट योरसेल्फ बॉदर प्लीज, आप हमारे नंबर तो होंगे सारों के पास, आप हमें एक मेल जनरेट कर देंगे, मैसेज जनरेट कर देंगे, कॉल कर देंगे, ठीक है, कि यार किस दिन चलना है और जो आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक, तो हम उस तरीके से अपना प्रोग्राम मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है, फॉलो करना है, प्रेफर करना है टाइम तो हम दोपहर का करेंगे, ठीक है, ताकि हमें वहां हम पहले डे डिसाइड करेंगे, हाँ फिर लाइट में हम वापस लाइट मगरिब तक हम वापस आ जाए, नो मोर देन 45 मिनट्स हमें जाता है, कॉलेज वाले इंटरेक्शन कोई
सर वो एक्चुअली गुफ्तगु इतने मजेदार चल रही थी तो मतलब हम भूल ही कॉल आ तो रही है कॉल्स तो कंटिन्यूअसली आ रही हैं सर तो बस ले लेते हैं कॉल सवा दो हो गए अच्छा बिफोर बिफोर यू जस्ट टेक सम कॉल सर आपकी सर थैंक यू वेरी मच क्या बहुत अच्छा लगा सर थैंक यू सो मच त्रिशान भाई नहीं हम 2:30 बजे सारे मैं देखिए सर आपकी जरूरत है इनको नहीं 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 मेरे उसकी तो जरूरत किसी को भी नहीं है ये भी बात सही है ये भी बात सही है ये भी ठीक है ये भी ठीक ढाई तक बैठते हो यार ढाई तक यार 15 मिनट रह गए 15 मिनट में पॉज लेते हैं बस निकलते हैं हाँ हाँ सब साइन ऑफ कर लेंगे 15 मिनट के बाद हाँ ऑब्वियसली सर आप कंटिन्यू नहीं सारे ये ही जो है ठीक है सो ये मामला चले एक फायदा तो हुआ कि जो प्याले का हमारा डन हो गया प्याले का जो है वो डन हो गया एक से आप तुम क्या ओके कॉल लेते हैं हम अस्सलाम वालेकुम जी कौन है हमारे साथ कहाँ से हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से वकास सती साहब कैसे हैं आपको ईद मुबारक हो बहुत बहुत वकास मसीह अच्छा वकास मसीह साउथ कोरिया वकास आते वकास आते साउथ कोरिया से मैंने परसों भी कॉल की थी आपने वकास मसीह की जगह वकास सती कहा था परसों तो मैंने प्रोग्राम ही नहीं किया भाई कोई और होगा अच्छा और चलें वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो सर और कैसा मौसम है आपकी तरफ बादल छाए हुए हैं सर अभी तो बड़े आपने रोमानवी अंदाज में कहा है बादल छाए हुए हैं यस साउथ कोरिया से फोन अच्छा नंबर तो वो भाई कराची आ गए नहीं नहीं कराची नहीं है सर जी कोरिया है वो कई दफा हो जाता है और सर क्या कहना चाहेंगे लोग सुन रहे हैं आपको पाकिस्तान सुन रहे हैं आपको बताइए हुक्म कीजिए सबसे पहले तो मैं सबको तमाम लिसनर्स को ईद मुबारक कहूंगा खैर मुबारक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अपना ख्याल रखें मैं भी सुन रहा हूँ कि फिर COVID-19 जो है वो काफी जो है पीक पे जा रहा है आप पिकनिक मनाएं अब अभी बता रहे थे इस्लामाबाद के हवाले से हाइकिंग के हवाले से तो मैं सबसे कहूँगा आप जाएं जरूर जाएं लेकिन ख्याल रखें खासकर ये कि मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था तो हम मेरे दोस्त ना हम सब जाते थे ईद के तीसरे दिन निकल जाते थे घूमने के लिए लेकिन होता ये था जाते वक्त तो हम चले जाते थे लेकिन वापसी पे ट्रैफिक का जो बुरा हाल होता था फंस जाते थे तो थोड़ी सी लापरवाही से लोग हल्की सी लापरवाही से मतलब ये ना थोड़ा वेट नहीं करते थे और रोड सारा जाम हो जाता था और सिर्फ दो तीन लोगों की गलती की वजह से घंटों तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी तो वकास भाई बात करना चाह रहे हैं वकास ऐसा और कोई गाल है यार यार ये इतना शुभ है पता नहीं क्यों हो गया यार मैंने इतनी मैंने जाते मैं यहाँ कोरिया है मैं लोगों में देखता हूँ पाकिस्तानियों में अपनों में और यहाँ से मैं कहता हूँ यार कितने बेवकूफ लोग हैं यार मतलब रोड दूसरी साइड का बिल्कुल खुला है मजाल के कोरियन इधर उधर होके चला जाए कुछ लाइन च लगे ने ना कोई हारन बजाएगा ना कोई कुछ करेगा ते सारे वेट करन दे जो चली गई ट्रैफिक चल ही पैना ना वकास जब आप गए थे तो आप भी तो बेवकूफ याद थे ना मैं तो अभी भी कहता हूँ जब चीजें को एनालाइज करता हूँ मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ यार किसको जी हरकत कर दे रहे हैं कोई बात नहीं चलता ऐसे विद द पासिंग ऑफ टाइम चीजें ठीक होती है कोई ऐसा मसला नहीं है आप कोशिश कर रहे हैं अगर जो नहीं हो रहा कम अज कम अपनी एंजॉयमेंट तो नहीं भूलनी चाहिए ना बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच कुछ मजीद कॉल्स लें या हाँ जी नहीं अस्सलाम वालेकुम कॉलर तो नहीं ऐसे होंगे ना बस हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रही है कहाँ से आप सबसे सीनियर अच्छा चलें सबसे सीनियर जी जी प्लीज क्या कहना चाहेंगी हाँ जी मेरे पहचानने वाले किधर है बोल नहीं रहे हाथ के इशारे से आपकी मौजूदगी का एहसास दिला दिया वो कह रहे वो नजर नहीं आता वो अलग बात है बादल चले जाने दें आगे अच्छा वैसे तो सबको ईद मुबारक और बड़ा अच्छा लगा मतलब इतने अरसे के बाद
हमने अच्छा वाला कंबाइन शो सुना. अच्छा वाला कंबाइन, आपको मजा आया? हाँ जी. क्या अच्छा था इस प्रोग्राम में? मतलब वहां तक तो नहीं बोल सकते जहां तक वो आर्जेस थे, लेकिन थोड़ी उसके बाद अच्छा लगा. इतने 5-6 लोग इकट्ठे हुए. आप चाहते हैं ना ऐसे प्रोग्राम होते रहे? जी जी बोले बोले मरे बोले. अब मैंने क्या तंग किया है साहब? माफ था, मैंने मैंने ना आपको तंग किया ना आपकी शैली को तंग किया. बड़े हो गए आपकी बातों से, हम नहीं तंग पड़े जिंदगी. ओ यार आप बड़े हो गए, मैं जब आया था तो तुम कॉल कर दी थी, अभी तुम मैं बड़ा हो गया हूँ यार. शेख साहब ने कहा जब मैं प्रोड्यूसर बनना आया तो सैमा अफताब की पहला फोन मुझे आया था. हाँ, तो शेख साहब रिटायर हो गए तो मैं आया था. जी आपने पूछना था? जी जी क्या पूछना था आपने सैमा? हाँ जी, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. ठीक है, माशाल्लाह आज हमने उन लोगों को फेसबुक लाइव देखा है. ठीक है, उन्हें नजर नहीं लगी, लेकिन पता नहीं हमारे 101 के आर्टिस्ट पर्दा करना कब छोड़ेंगे, कब स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और लिसनर्स के साथ मिलके प्रोग्राम करेंगे. फजूल बात. आपको मैंने परसों भी बताया था कि ये हमारा मसला नहीं है, ये जो है ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है चैनल्स में. और आप लोगों ने अपनी तो प्लानिंग सुना नहीं ना, तो काश मेरे बस में हो तो मैं 101 का यूट्यूब चैनल जरूर बना. वो रिजवान साहब की तरह है, दुबई से वापस आएंगे नहीं? नहीं अभी नहीं आए, इसीलिए तुम्हें डांट वही रहने दे. तो बात को ना छोड़ती नहीं हो वो 3-3 साल तक. ओ भाई स्टेट चैनल है, जब ये कहेंगे तो हम ऑनर आ जाएंगे, हमें डर लगता है. मतलब अभी काशिफ भाई की आवाज सुनी तो बहुत काशिफ भाई पुरानी जाता है, के पास जाना है. एसन भी बहुत होने वाला है. मुझे भी बोलने दे. हाँ जी हाँ जी बोले बोले. मैंने कहा एसन दो लोगों की बर्थडे भूल गया था, उनकी भी जुदाई में होती है. जी जी हैप्पी बर्थडे उन दोनों को जो भी है. आसिफ रजा और काशिफ खान की भी जुदाई में आती है. जुलाई को अच्छा अच्छा ठीक है. और किन की आती है जी? चले आप लोग कम से कम 3 बजे तक तो बैठे ना, पहले 4 बजे तक तो दोस्ती आते बैठे थे. ऐसा को कहो और वो भाई को कहो. शायद तो मेरे कहने में बैठ जाएंगे. आप कहने में बैठ जाएंगे? जवाब दें ऐसा. ओ सॉरी साहिल. साहिल हाँ जी. साहिल प्रॉमिस करो बाजी से. नहीं वो बेचारे 3 दिन से सोए नहीं, हमने कल भी बर्दाश्त करना. वो 2 दिन कह रहे थे, आपने 1 दिन बढ़ा दिया. हाँ चले चले, हमें सारी अदर की खबरें बताती है. चले चले साहब आफ्ताब आपको बहुत शुक्रिया. चले ओके टेक केयर. अल्लाह हाफिज. जी अल्लाह हाफिज. एक और ले ले. सलाम अलैकुम. कौन? हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है, कहाँ से? शुमाइला बात कर रही हूँ, सियालकोट से. शुमाइला सियालकोट से, क्या हाल है शुमाइला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप सब कैसे हैं? आप सबको मुबारक. जिंदे पाए हैं फिलहाल. खैर और 2 घंटे तक अच्छा एंजॉय कर रहे हैं. 2 घंटे से सुन रहे हैं आपकी गुफ्तगू. शुक्र लगाया हुआ आपने. शुमाइला गुड़िया बात कर रही है. हाँ जी सिद्धार्थ भाई अस्सलाम वालेकुम. ठीक है बेटा, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे हैं? ऐसे गुड्डे से बात कर यार सजाद साहब. जी जी बताए मेरी बहन कैसी है? यार सजाद साहब यार कमाल है यार. आप चलें करें खैर बात. जी शुमाइला बात कीजिए. जी जी शुमाइला कैसे हैं आप? कैसे आपको? अस्सलाम वालेकुम. ऐसे कैसे हैं? जी जी अल्लाह मुबारक. खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. अच्छी गुजर रही है को भी मुबारक. और साहिल से तो पहली बात हो गई. 10 से 12 में भी अली जी विश किया था.
दोबारा लीजिए जी, कॉल हो रही है जी जी, ले ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए कैसे हैं आप? शानी भाई, मैं पड़ोसी हूँ तुम्हारा। नहीं। कौन बात कर रही है, कहाँ सर? मैं रिफत इकरानी, मैं शानी मुल्तान से। हाँ ओके रिफत, क्या हाल है आपके? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिफत, ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, जितने आपके पास आज ही बैठे हैं तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक, नैन मिर्जा को भी और एस एम भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नहीं नाम पता होगा बेचारी को यार। नहीं पता होगा, पता होगा बाकी, लेकिन हम जितने भी हैं जी रिफत, मजीद क्या कहना चाहिए रिफत? हमारे साथ आतिर भाई बैठे हैं, साहिल भाई बैठे हैं, सजाद भाई बैठे हैं, आप उनको भी काइंडली विश कर दें नाम लेके। साहिल भाई कितने प्रोग्राम सुनती है, हसनैन भाई के भी सुनती है और एसएन भाई के भी, बाकी उनका नहीं सुनती मैं, बस सजाद भाई का और मेरा नहीं सुनती। मुझे ये पता है कि मतलब आते हैं और पिछले तो कंबाइन पे गेम किया था तो मैंने सुना था, अभी तक मैंने कभी गेम नहीं सुनती। चलें थैंक यू रिफत, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है मोहतरमा, कहाँ से? नाम समझ में नहीं आया लेकिन वेलकम टू द शो, ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। इतनी देर से आपकी कॉल ट्राई कर रही मिलाने की, पर आपका नंबर भी नहीं लेगा और सब बातें करते हैं। ठीक है नहीं क्या कहा, कह रहे यहाँ पे आवाज थोड़ी सी उनकी बाज़ ऑफ, क्या कह रहे थे? नंबर नहीं मिल रहा था जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा नंबर ट्राई कर रही थी आप, मेरा तो बिल्कुल फ्री पड़ा है, मुझे तो कॉल नहीं आ रही, साहिल को आ रही थी कॉल। अच्छा खैर एनीवे, और सुनाएं। ठीक आपकी कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी मैसेज इंस्टा पे आपने अपनी पिक्चर नहीं दिखाई। मेरी पिक्चर असल में मेरे से पहले पिक्चर ले चुके थे, तो हमारा रूल है एक दफा पिक्चर अपलोड हो जाए तो फिर वापस नहीं होती। सर मैं तो पूरा दिन देखती थी इंस्टाग्राम पर, आज मैंने नहीं देखी। अच्छा मेरी पिक्चर नहीं, मैंने अपलोड भी नहीं की, मैं आज बिजी था थोड़ा सा, दैट्स व्हाई। ठीक है एनीवे थैंक यू, और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी रुकिए ना, अभी तो मुझे इतनी मुश्किल से कॉल मिली है, सबसे बात करनी है ना। हाँ करें ना प्लीज करें, सजाद साहब से करें। मैं आपका शो रेगुलर सुनती हूँ और आपके साथ मैंने दो दो कॉल भी किया है, एक बार एक दिन पहले की थी छोटी और आज जाके ये गाना भी है ना जी 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 ठीक है। और आप सबके शो बहुत अच्छा है और सारे चीज़ें आज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी सबकी आवाज़ है और अल्लाह हाफिज़, मेरे कज़न आपको सुन रही है, मैं सबसे माइकल सकती हूँ हाई बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हाय एंड थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई थिंक एक कॉल ले लेते हैं देन हम प्रोसीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक है? ठीक ठाक है खैरियत। ये जो नए लोग हैं इन्हें पूछने दीजिए कि मैं कौन से मुल्क से बात कर रहा हूँ, मैं उस मुल्क से बात कर रहा हूँ जिस मुल्क का ना गानों में ना फिल्मों में ना ड्रामों में जिक्र होता था हद का, तो मैं उस मुल्क से बात कर रहा हूँ, अफ्रीका। और बहुत चर्चा था हद का, बताइए कौन सा मुल्क है? अफ्रीका। होनालुलु। कांगो। कांगो। लाओ ना नाम लाओ सारे सारे। बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, एक एक बताते जाएं। मैंने तो बता दिया। दसो भाई कोरिया। दसो जी जुंगचाइना। क्या दसो भाई? दुबई। माल्टा। सेब। अचानक अचानक उसके बहुत जिक्र था खत का। किसका जिक्र है? अदालत में बहुत जिक्र था खत का, उस मुल्क से बात कर रहा हूँ। यार बताना है तो बंद कर देंगे कॉल। कतर। अच्छा 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 चले जो भी है बहरहाल, मुझे ये बताएं सर कि ईद कैसी गुजरी आपकी? मिसर हमारा तो आज दूसरा दिन था। अच्छा 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 जबरदस्त, गर्मी तो बहुत होगी है ना वहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि ना बिजली जाती है ना लोग सड़क होती है और ना जो है पंखे बंद होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो एसी है ना। हमारे यहाँ भी नहीं होता यार, हमारे यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है, स्टूडियो में नहीं होते। आपकी बात सच है। आप पाकिस्तान कितने अरसे से नहीं आए? यहाँ पे तरक्की हो गई है वाकई सर, बताएं जरा भाईजान कितने अरसे से नहीं आए?
डेढ़ साल से यहाँ पे लाइट नहीं गई। कमाल है यार, पानी फ्री, बिजली फ्री। अभी अभी मैं वो पेट्रोल में गया था और ले जाओ डब्बे में। अच्छा मैं ये थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैं ये कह रहा था कि क्यों तेर गए घर आए हो घर में बहाना क्या ए वन ओ वन ते रे लिए हमें ई दुख आना पड़ता है। बंदा ठीक नहीं है। सब ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया ब्रदर साथ रहने के लिए, ऑल द वे फ्रॉम कतर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक एक कॉल और लेते हैं, देन फिर हम साइन ऑफ की जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीशान भाई, कैसे हैं? ठीक है दीशान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह दीशान भाई, ठीक ठाक। भाई नाम बताइएगा, मुखातिब करने के लिए नाम जान सकता हूँ आपका? जी उस्मान अली राजपूत फ्रॉम मीरपुर आजाद कश्मीर। भाई उस्मान भी बता देते, खैर था इतना लंबा नाम बताने की जरूरत थी। कैसे उस्मान? आप तो कश्मीर तक चले गए। अल्लाह का एहसान, बिल्कुल दीशान भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान क्या कहना चाहेंगे, लोग सुन रहे हैं, प्रेजेंटर सुन रहे हैं? यही कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह दीशान भाई की अच्छी, दीशान भाई क्या गया एसएल में की अच्छी वहां टिकट लगा दी आपने, क्या कहते हैं यार इनका नाम मुझे भूल गया है, सज्जाद भाई। यार सज्जाद भाई ने ये तो एक कंबाइन शो के मजा होते हैं और ये हमेशा से होते हैं, हमेशा जितनी भी कंबाइन ट्रांसमिशन होती है उसमें ये ऐसा हंसी मजाक चलता है और ये जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल होता है, क्योंकि इस चीज को मैंने बहुत एंजॉय किया ना। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोगों ने किया ये कि ताकि आप एंजॉय कर सके। जी जी बहरहाल आपने फील नहीं करना, बहरहाल नहीं मैं फील नहीं, असी फील प्रूफ हो गया जिन्ना को अरसा, जिन्नू का अरसा हो गया, असी फील प्रूफ हो गया। बहरहाल साहिल भाई को और तमाम जितने भी आज बैठे हैं तमाम को ईद मुबारक। तो बहुत शुक्रिया सर, यकीन माने दो दफा मामा से डांट पड़ चुकी है, इतना ऊंची ऊंची आवाज से मैं भी हंस रहा था आप लोगों की बात से सुन के। सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। आई थिंक हम ऑलमोस्ट अढ़ाई बज चुके हैं, साइन आउट की जानिब जाएं अगर आपकी इजाजत हो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आतर भाई आपसे। जी बिल्कुल, ईद के प्रोग्राम का बड़ा मजा आया और अभी तो दो दिन बाकी हैं, ईद को एंजॉय करें अच्छी तरह और अपना बहुत सा ख्याल रखें। दिस इज आतिर अली सैयद और साइन ऑफ करता हूं जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया, अब ईद की ट्रांसमिशन में हम लोग मौजूद थे और लिटरली आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों ने रोक के बहुत अच्छे के साथ भी, आपका भी बहुत शुक्रिया जिशान भाई, सबका थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत इंजॉय किया। आई विश के ऐसी बैठक दोबारा लगे और हम फिर से एंजॉय करें। थैंक यू गाइस लिसनर्स, कल आ रहे हैं ना दोनों? इंशाल्लाह। पर इस टाइमिंग का मुझे आइडिया नहीं है कि ये ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, 10 से 12 नहीं तुम 6 बजे आना। आई एम साइनिंग आउट। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे और आज का दिन। जी प्लीज। ओके तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात हुई 10 से 12। दिस इज मी शैलजा साइनिंग आउट, थैंक यू। अच्छा यार वैसे एसएन की गलती है, बाकी बहुत पैड़ा हंसता है यार। थैंक यू। ऑलराइट यू लिसनर्स, कर दिए, उम्मीद है आप सबने ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो एंजॉय की होगी। हसनैन रजाई साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपको बहुत शुक्रिया सज्जाद खान की जानिब से, सबको ईद मुबारक, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अल्लाह ताला सबको आसानियां दें। और एक बात, जाते जाते यहाँ पे ये जब हम इकट्ठा बैठते हैं तो बिल्कुल किसी की क्लास नहीं होती। अभी उस्मान भाई ने कहा, वो जो कश्मीर से आए हुए थे, कि जी किट लगी है, इट इज लाइक बड़ा छोटा सा लफ्ज है, आप यकीन करेंगे हम आपस में बैठे हुए होते हैं, ऑफेयर भी बैठे होते हैं, तो हम बिल्कुल जब आप इस देखें, हमें ट्रेनिंग में ये बताया जाता था कि आप जब प्रोग्राम करने के लिए आए तो आप अपना जहन खाली करने के लिए ये जो पॉलिसी बनी है कि डीजे शुड बी ऑन हिज ड्यूटी बिफोर 30 मिनट्स ऑफ हेज और हर प्रोग्राम, ये होता है इसीलिए था कि अपना माइंड मेकअप करें। तो माइंड मेकअप करने के लिए जब हम इस बिल्डिंग में, इस प्रोडक्शन हाउस में आते हैं,
तो कोई उम्र का ख्याल नहीं होता, किसी से ये नहीं होता कि यार कोई बात कह देंगे तो कोई बुरा मान जाएगा। ये एथिक्स हैं, ये पॉलिसी है, ये रूल है और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। एहसन आप यकीन करें कि इतना डाउन टू अर्थ और इतना अच्छा भाई है, इतना अच्छा इंसान है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी और इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम प्रेजिंग हिम, इट इज़ नॉट लाइक दिस। बात यह है कि इतना अच्छा इंसान है कि बिल्कुल छोटे, मेरा एक ही भाई है, ये मेरे उस भाई जितना मैं सारों को ट्रीट करता हूँ। अगर मेरी बात से आप सबको पता है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, फिर भी अगर लिस्नर अगर ये समझ रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए होता है कि यार इतनी सारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी टेंशन्स हैं, जो पर्सनल जो घरों में टेंशन है, नौकरियों पे टेंशन है, बिजनेस में टेंशन है, तो दो चार घंटे हमें नहीं मिलते, हमें दो चार मिनट मिलते हैं 20-25 आज पता नहीं कितने सालों के बाद इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने यहाँ पे माइक पे लोग हैं, अगर कल इनके पास टाइम है तो जरूर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। चले जी, और क्लोजिंग नोट पे दोबारा ये एक बात कर देता हूँ। सजाद भाई ने खैर वो बात कर दी है, अगर ये जैसे उस्मान भाई ने भी बात की, उससे पहले भी बात की, ये टोटली एक मजा होता है, ठीक है। हम माइक के इस साइड पे जो लोग बैठे होते हैं, ये रात के इस पहर में इसलिए आते हैं ताकि आपको इंटरटेन कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है, और इंटरटेनमेंट नॉर्मली महसूस ही तब होती है कि जब एक बंदे को ऐसा, हाँ लिटरली ये बिल्कुल सही लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, कि वो अगले बंदे को ये दिखाया जाए, ठीक है, जो सुनने वाला है उसको ये सुनाया जाए कि जिस तरह से वो हो रहा है, इस तरह से एक दूसरे की किट लगाई जा रही है, ये किट नहीं होता, ये एक मजा होता है। और यही इस रेडियो का चार्म है, यही इस रेडियो का एक्ट है, और इसमें कोई उस वाली बात नहीं है। बाकी जिशान ने मेरी बात को लिया, क्योंकि जब मेरे कानों पे हेडफोन लगा हुआ था तो मैं उस टाइम महसूस कर सकता था कि सामने जो कहका जब बहुत ऊंचा होता है तो वो ब्लास्ट किस हद तक करता है और वो कितना डिस्टर्बिंग होता है। तो उस वजह से मैंने कहा था भाई मैं एक मिनट जरा कानों से ये हेडफोन हटा देता हूँ, ये आप जिम्मेदारी पकड़े। खैर एनीवे जी, इसके साथ ही जी आप लोगों से चाहते हैं इजाजत, खुश रहें, खुशियां बांटें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे पर्सनली बड़ी खुशी हुई है जब एक लिसनर ने अभी बताया कि हमारी बातों की वजह से वो इतना ऊंचा ऊंचा हंस रहे थे, तो मतलब वो इंजॉय कर रहे थे इस चीज को। थैंक यू सो वेरी मच जी, इंशाल्लाह ताला कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन भाई। It was pleasure sharing the studios with the legends of industry. There is no second thought about it. Having said that, Eid Mubarak once again to all of you. Allah aapko iman ke saath rakhe, kulla iman ke saath rakhe, koi gham na de siwaye gham-e Hussain alaihi salam ke. Inshallah aapse kal mulaqat hogi. Aur having said that, apna bahut bahut khayal rakhiyega. Zishan Nasir signs out. Baki baat hai Insta pe. Bye. प्यास हो लगता है ये हमेशा के तुम आस पास हो, तेरा है जो लबों पे वो एहसास हो, तेरी अदा अदा पे मरता मैं, वफा वफा सिकरता क्यों, हदों से हूँ गुजरता मैं, जरा 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 तुम तो दरअसल सांसों का सास हो, दिल में मेरे छुपा जो वही राज राज हो, कल भी मेरा तुम ही हो मेरा आज हो, कल भी मेरा तुम ही हो हो। होता है ऐसा अक्सर दिल ये किसी को देकर, लगता हसी है सारा शहर, वो अब देख तेरा